What's up everyone? Welcome back to the channel. तो fundamental is done. अब बारी आ चुकी है हमारी change in profit sharing ratio and goodwill की. बहुत सारे बच्चे confused हुए थे सर, change in PSR, goodwill कहाँ है? तो इसी में goodwill भी covered है, इसी में change in profit sharing ratio भी covered है. और इस part को करने के बाद आपके partnership में दो major concepts cover up हो जाएंगे, that is change in profit sharing ratio and goodwill. तो बड़े ध्यान से इस part को देखना, बड़े अच्छे से इसको cover करना और आपका पूरा का पूरा chapter तैयार होता है. उसके बाद हम मिलने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए. ऑल दो इस वन शॉट में क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बट स्टिल और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो, कॉपी ले आओ और नोट साथ साथ बना लेना ताकि मदद रहे आगे. हेडिंग डालेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल, ये हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है वो क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, गुडविल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है. इस टॉपिक को करने के लिए जो हमें सबसे पहला हेडिंग डालना है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. हेडिंग डाल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. नाउ व्हाट इज बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट. रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज इन एग्रीमेंट. सपोज तीन पार्टनर्स थे, ए बी सी, और तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, 1:1:1. अभी कुछ पैसा एक्स्ट्रा सी लगा रहा है या फिर सी कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स दे रहा है बिजनेस को, या कुछ और रीजन भी हो सकता है जिस वजह से ऐसा लगा सी को कि मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फर्म में तो मुझे प्रॉफिट्स भी ज्यादा मिलने चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और नया एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है. तो जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर देगा. इस सिचुएशन को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. अब नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एग्रीमेंट में, सारी चीजें प्रॉपर्ली शुरू से लिखी जाएंगी, सब कुछ प्रॉपर्ली ड्राफ्ट होगा, तो दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. समझ गए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में करा जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ये एग्जाम में भी आया है, थ्योरी में भी कई बार पूछ लिया जाता है. रिकॉन्स्टिट्यूशन हम कब कब मानते हैं? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाता है? सबसे पहले जब हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बनता है. या फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, कोई नया पार्टनर आ रहा हो. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. या फिर रिटायरमेंट हो रहा हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. एक पर्टिकुलर अलग केस होता है जो बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए और वो ये पूछ लेता है सीबीएसई की, इनके अलग बताओ कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. उसको हम बोलते हैं अमैलगमेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? अमैलगमेशन. सर व्हाट इज अमैलगमेशन? अमैलगमेशन है कि फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स थे ए और बी, ये अपनी फर्म चला रहे थे. एक फर्म ये थी और एक इनका कॉम्पिटिटर फर्म थी जो थी सी और डी. ठीक है, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे जो मार्केट में ये दो फर्म्स ही बनाती हैं, ये और इनके कॉम्पिटिटर ये. इन दोनों ने सोचा यार हम लड़ते रहते हैं, इससे अच्छा क्यों ना हम मिलके एक ही फर्म बना लें जिसको बोल दें ए बी सी डी. तो इन्होंने क्या करा, दो फर्म्स ने जोड़ के एक फर्म बना ली, इसको बोला जाता है अमैलगमेशन. ठीक है, तो अमैलगमेशन के केस में भी पुराने एग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे इनके और नया एग्रीमेंट बन के आएगा. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास कौन कौन से केसेस होते हैं जल्दी जल्दी से लिख लो आप लोग. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमैलगमेशन.
ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कितने हो सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किसी ना किसी को फायदा होगा, किसी ना किसी को नुकसान होगा। कोई ना कोई पार्टनर प्रॉफिट में जाएगा, कोई ना कोई पार्टनर लॉस में जाएगा। तो कौन पार्टनर प्रॉफिट में गया, कौन पार्टनर लॉस में गया, कितना प्रॉफिट में गया, कितना लॉस में गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट रेशियोज आती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और एक को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो है न्यू माइनस ओल्ड। दोनों से आंसर सेम ही निकलता है, एक ही बात है, बट वन मार्कर में आपसे पूछ लेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो पूछेगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर इसका कोई क्वेश्चन आ जाओ, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो पहले बराबर बराबर था, 1:1 ओल्ड रेशियो। अब जो न्यू रेशियो निकल के आया ए और बी का, वो निकल के आया 3:2, ये न्यू रेशियो है। तो अब मुझे देखना है कि कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज पहले 10 रुपये का प्रॉफिट होता था, अगर 10 का होता था तो दोनों बराबर बराबर बांटते थे 5 और 5। अब अगर 10 का होगा तो 3:2 का मतलब 6 और 4, तो देखा जाए तो इसके मज़े, ये तो फुल खुश है, और इसका कम हो गया तो ये परेशान होगा। पता चल गया नहीं पता चल गया, बट मैथमेटिकली तो पता है। अकाउंट्स के हिसाब से कैसे लिखेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का था 1/2, बी का भी था 1/2। न्यू रेशो क्या है सर? न्यू रेशो है 3:2, तो 3/5, 2/5, ऐसे रेशो लिखी जाती है। 1+1 2 होता है ना, तो नीचे 2 आएगा, 1/2 1/2। 3+2 5 होता है, तो नीचे 5 आएगा। मुझे एक एक चीज आपको बतानी है। एलसीएम ले लो इसका 10, 5 - 6, 5 - 4, माइनस का 1/10, 1/10, ठीक है। अब सर पता कैसे चलेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो यहाँ पे बेटा जी कई बच्चे याद करते हैं कि नेगेटिव वाला हमेशा गेन करता है, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में मत पड़ो। हाँ नेगेटिव वाला गेन करता है, ठीक है, बट हम लोग कहाँ तक कंफ्यूज करेंगे चीज़ों को? हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ओल्ड आ रहा है फिर न्यू आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लो, पहले ओल्ड आएगा फिर न्यू आएगा। पहले 5 थे अब 6 हैं, बढ़ गए ना, पहले 5 अब 6, तो ये तो गेन कर गया। ये मुझे वैसे भी पता था, देखो इसके पहले 5 थे अब 4 हो गए, कम हो गए ना, तो ये सेक्रीफाइस करेगा, ये हमें वैसे भी पता था। तो आपको बेसिकली क्या करना है, रेशियो निकालना है, और जहाँ पे आप एलसीएम लेते हो उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में चेक कर लो कि पहले कितना था और अब कितना है, दोनों को कंपेयर कर लो। पहले पहले वाला आता है, बाद में नया पार्ट आता है। 5 से 6 तो ये गेन हो गया, 5 से 4 तो ये सेक्रीफाइस हो गया, समझ गए? दिस इज हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, और हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? अगला हेडिंग डाल दो गुडविल। अगला हेडिंग डाल दो गुडविल। सर गुडविल नाम तो सुना है, व्हाट इज एक्चुअली गुडविल? गुडविल इज बेसिकली द रेपुटेशन और द गुड नेम ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म में पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर करके डे टू डे एफर्ट करके एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है कि हाँ यार ये अच्छा है। कस्टमर उसी दुकान पे जाना पसंद करता है। मैं पहली बार जाऊंगा, अगर सामान अच्छा मिलेगा तो मेरे माइंड में उनके लिए एक रेपुटेशन, एक गुडविल जनरेट हो जाएगी। मैं दोबारा उन्हीं की दुकान पे जाऊंगा। मैं दोबारा उनकी दुकान पे क्यों जा रहा हूँ? उनकी रेपुटेशन की वजह से, उनकी अच्छी सर्विसेज की वजह से, उनके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से, यही गुडविल है।
गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस. कस्टमर अगर दोबारा आपकी दुकान पे आ रहा है तो सिर्फ आपकी गुडविल है भाई साहब, नहीं तो कस्टमर तो ऐसी चीज है कि एक बार आया आप उसको सर्विस मत दो, दोबारा आएगा ही नहीं. तुम लोग चैनल पे आओगे, तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, तुम और सब्जेक्ट्स की भी सर्च करोगे, अच्छी नहीं लगेगी ना, सीधा सीधा डिसलाइक का बटन दबाओगे, डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक, है ना. तो कस्टमर्स में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी हमें कोई चीज़ पसंद आएगी तो हम दोबारा जाएंगे. रीज़न एक गुडविल, एक रेपुटेशन, एक हार्डवर्क, है ना. अब गुडविल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं सर, गुडविल के अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स सीखने हो तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होता है कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है. गुडविल एक कैसा एसेट है, इनटेंजिबल. सर इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इनटेंजिबल का मतलब होता है कि आप इसको देख नहीं सकते हो, बस फील कर सकते हो. भाई मेरी गुडविल कितनी है मुझे भी नहीं पता, मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ कि वो कैसी दिखती है, किस तरीके से होती है. हाँ, क्या मैं उसका वैल्यू लगा सकता हूँ, यस मैं उसका वैल्यूएशन कर सकता हूँ. कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको. तो दूसरी चीज क्या लिखेंगे, इनटेंजिबल के साथ इट इज अ वैल्यूएबल एसेट. गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है. वैल्यूएबल का मतलब हम उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है. क्या गुडविल आपको पैसा कमाने में मदद करता है, हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट्स. आप अपनी गुडविल की वजह से भी अच्छा पैसा कमाते हो, गुडविल आपको मदद करता है पैसा कमाने में. इसके बाद इट फ्लक्चुएट्स कॉन्टिन्यूसली. गुडविल आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. अच्छा काम करोगे गुडविल बढ़ता चला जाएगा, बुरा काम करोगे गुडविल गिरता चला जाएगा. तो गुडविल फ्लक्चुएट होता रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं. सर गुडविल का हम वैल्यू कब करते हैं, व्हेन वी वैल्यू गुडविल. देखो गुडविल का वैल्यूएशन सिर्फ तभी होता है जब आप बिजनेस बेच रहे होते हो, उससे पहले आप गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हो. या फिर कोई पार्टनर आ रहा है तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की सिचुएशन, रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो गुडविल का पैसा लेके जाता है तो हम गुडविल का वैल्यू लगाते हैं. क्या गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, नहीं. गुडविल का एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, एग्जैक्ट कितना है किसी को भी नहीं पता. तो ये कुछ गुडविल के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है. बस एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है, तो नोट करेंगे गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. एक नंबर का कई बार ही एग्जाम में पूछा गया है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ट्रू और फॉल्स, तो आप आंसर लगा के आओगे फॉल्स. गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ठीक हो गया जी. अब सर ये जो रेपुटेशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जो हमारी गुडविल पे इम्पैक्ट डालते हैं. मतलब किसी भी फर्म की गुडविल अच्छी बुरी किसी ना किसी फैक्टर्स के आधार पे बनती होगी ना, कि भाई किस हिसाब से हम किसी गुडविल अच्छी माने. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स लिख के चलेंगे. सबसे पहला फैक्टर होता है फेवरेबल लोकेशन. फेवरेबल लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन अच्छी होती है तो आपकी गुडविल बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आप अच्छी जगह पे बिजनेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गुडविल अच्छी जनरेट होगी. आपकी लोकेशन ही बढ़िया नहीं है तो वहाँ पे गुडविल बनने में समय लगेगा और हो सकता है ना भी बने, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो. तो लोकेशन का काफ़ी इम्पैक्ट होता है गुडविल के ऊपर. दूसरी चीज़ होती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. आपका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, आप कस्टमर्स को कैसी सर्विसेज दे रहे हो, आपके कस्टमर्स आपके मैनेजमेंट से खुश है या नहीं है, आप टाइम पे काम करते हो या नहीं करते हो, वेस्टेज कम से कम करते हो. तो जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट होगे उतनी अच्छी आपकी गुडविल जनरेट होगी, आप उतना ज़्यादा मार्केट में अपना नाम बना पाओगे. उसके बाद होता है हमारे पास लॉन्गेविटी, यानी कि बिजनेस कितने समय से चला रहे हो. जितना ज़्यादा समय हो चुका होता है बिजनेस चलते 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 चलते, उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गुडविल जनरेट होगी बिजनेस की, अच्छी होगी. आपके प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, कस्टमर लॉन्ग टर्म तक उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को
इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी मदद करती हैं गुडविल जनरेट करने में, सही है जी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ गुडविल। सर गुडविल कितने तरीके की हो सकती है? देखो गुडविल दो तरीके की होती है, ऑल दो होती तो और भी है, लेकिन हमें जो मेनली पढ़नी है वो यही है, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। एक गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक गुडविल होता है परचेज्ड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम में ही है, मेरा खुद का सेल्फ जनरेटेड, ये मैंने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, SELF, सेल्फ जनरेटेड। एक होता है परचेज्ड, कि एक चले चलाए बिजनेस को खरीद लेना, उसको हम बोलते हैं परचेज्ड। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, चला चलाया खरीदा ना, अब इंस्टाग्राम की गुडविल भी फेसबुक की होगी, उसी ने खरीद लिया, तो ये होती है परचेज्ड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग बुक्स में शो नहीं करते, नॉट शोन इन बुक्स। परचेज गुडविल को हम बुक्स में दिखाते हैं, शोन इन बुक्स। सर कौन सी साइड में दिखाया जाता है? एसेट में, हमारी गुडविल हमारे लिए एसेट है ना। तो अगर आप बैलेंस शीट में गुडविल देखोगे कोई, कि बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई गुडविल है, तो याद रखना वो हमारी गुडविल नहीं है, वो हमने किसी और की गुडविल खरीदी हुई है। हमारी गुडविल तो यार कैलकुलेट ही नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो। हमारी गुडविल वैल्यू तभी होगी अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है कि सर हम बुक्स में शो क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी भी तरीके का कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, या ऐसा लिख लो नॉन मॉनिटरी नेचर की वजह से। सर गुडविल जो हमारी है वो हमने खरीदी तो है नहीं, उसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, कि मनी मेजरमेंट मनी की टर्म्स में चीज़ें मेजर होंगी, बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा तो हम गुडविल, तो हम ट्रांजैक्शन को बुक्स में शो करेंगे। बट अगर पैसा आया गया ही नहीं, भाई गुडविल तो समय के साथ बनी है ना, उसमें पैसे का लेन देन थोड़ी ना हुआ है, तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। लेकिन ये खरीदा है, इसका नेचर कैसा है? मॉनिटरी, ये मॉनिटरी है, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, आपने पेमेंट करी है, इसीलिए इसको बुक्स में दिखाते हैं। तो परचेज गुडविल एसेट्स में दिखाई जाती है, वो किसी और की गुडविल है जो आपने खरीद ली है, जो आपकी खुद की गुडविल है सेल्फ जनरेटेड, उसको आप कभी भी बुक्स में दिखाते ही नहीं हो, ठीक हो गया। सर परचेज गुडविल निकालने का कोई फॉर्मूला? यूजुअली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि भाई पहले उस फर्म की वैल्यू लगाओ, पहले उस फर्म की वैल्यू लगाओ, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हम लगाते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कि हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए, फर्म की वैल्यू आ गई। सपोज किसी फर्म के 2 करोड़ के एसेट थे और 50 लाख की लाइबिलिटीज थी, तो 1.5 करोड़ का वैल्यू आ गया। अब सामने वाला हमारे से पैसा मांग रहा है 2 करोड़, उसकी डिमांड कितनी है, या लिख लो परचेज कंसिडरेशन, परचेज डिमांड बोलूँगा तो ऐसा लगेगा इको बढ़ा रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन है 2 करोड़। तो देखो उसकी फर्म की वैल्यू 1.5 करोड़ है, पैसे वो 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा 50 लाख किस चीज़ के मांग रहा है, गुडविल के मांग रहा है। तो अगर आपको कभी भी गुडविल निकालनी हो तो गुडविल कैसे निकलती है, ये वाली परचेज्ड वाली, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो वैल्यू आएगी उससे हम परचेज गुडविल निकालते हैं। सेल्फ जनरेटेड निकालने के क्या तरीके हैं? सर अगर ये कैलकुलेट करनी हो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड्स पढ़ेंगे, अभी हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। ये मैं सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ये मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर गुडविल कैलकुलेट करने की नीड कब होती है? नीड ये हमें कब कैलकुलेट करनी होती है बेटा जी? वही चीज़, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। किसी का एडमिशन हो रहा हो स्कूल में, नहीं पार्टनर का फर्म में, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हुआ हो तो कैलकुलेट करते हैं। अगर फर्म ही बिक जाए, इफ़ द फर्म इज़ सोल्ड, फर्म बिक जाए पूरी की पूरी तो कैलकुलेट करते हैं। या फिर अमेलगमेशन हो रहा हो, दो फर्म्स आपस में मिल रही हो, तो भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
तो गुडविल कैलकुलेशन की नीड कब होती है उसमें हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट लिख के आएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी थियरी थी जो आपको मदद करेगी और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी कि चैप्टर में क्या क्या है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर हम गुडविल कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं? देखो कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, कभी भी एडमिशन हो, तो हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज जब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो हम अपनी गुडविल की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अब जब प्रॉफिट्स ही अलग रेशियो में चेंज होंगे तो किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी ना किसी पार्टनर को नुकसान होगा। भाई रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो गुडविल में हम अब एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई जो नुकसान में जा रहा है वो कंपनसेट होगा किसके द्वारा, जो फायदे में गया, जो फायदे में गया वो उसको पे कर देगा उतना अमाउंट जितना वो नुकसान में जा रहा होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट पहले गुडविल कैलकुलेट कैसे होता है, सर किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होता है? तो गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे लास्ट क्लास में, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। आज आप हेडिंग डालो जल्दी से अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मेथड जब मैं समझाऊंगा तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा और मैं थोड़ा डिटेल में टच करूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लास्ट क्लास में कह रहे थे सर मजा आ रहा है इस सीरीज में। अब आप जो एक एक चीज पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर रहे हो ना, एकदम क्लैरिटी आ रही है कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया, कैसा गारंटी का क्वेश्चन आया, बोर्ड्स में कैसे करना है। तो थोड़ा सा स्लो रहेगा और एक एक चीज टच करके चलेंगे। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना कैसे है? सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है? सर गुडविल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? देखो हमने क्या डिस्कशन करना है कि गुडविल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि हमारे पास ये चिंटू की दुकान है, ये है चिंटू स्वीट्स, मिठाई की दुकान है ना, फेस्टिवल है ना, तो चिंटू स्वीट्स, चिंटू अपनी दुकान पे बैठा है ओहो फुल खुश, और यहाँ से कस्टमर आई जिसका नाम है चिंटी, ये चिंटी भी खुश एकदम बढ़िया। चिंटी आई, उसने चिंटू को बोला कि हाय चिंटू हमें प्लीज़ थोड़ा सा रस मलाई खिलाओ। ओहो वाह वाह, आधों का तो वीडियो देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, रस मलाई चाहिए। चिंटू ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चिंटू की दुकान पे एक शानदार रस मलाई मिलती है बड़ी ज़बरदस्त। तो चिंटू ने रस मलाई ला के दी, चिंटी घर ले गई, चिंटी ने घर जाके अपनी पूरी फैमिली को खिलाई और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, अगली बार से चिंटी हर बार रस मलाई लेने इसी दुकान पे आती है। अब रस मलाई, रसगुल्ला, बर्फी सब यहीं से जाती है। तो इसका मतलब ये जो कस्टमर है ये बार बार उस दुकान पर रिपीट हो रहा है। रीजन, इसने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली, इसने अपनी एक इज्जत बना ली, यही तो गुडविल है। अब गुडविल जो होती है उस गुडविल की मदद से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रसमलाई नॉर्मली मार्केट में 25 रुपीज पर पीस है और चिंटू बेच रहा है उसको 35 पर पीस में और तब भी बिक्री है। रीजन क्या है? चिंटू ने अपनी एक बढ़िया गुडविल बना ली कि हमारी प्योर है, हमारे से अच्छी कोई नहीं है, हमारे से अच्छा टेस्ट कोई नहीं है, बाकी तो सस्ती है, बेकार क्वालिटी यूज करते हैं, मजा नहीं है। तो एक रेपुटेशन बन जाती है ना, तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई जाए, अब यहां पे एक नई दुकान खुली चिंटू के बराबर में, उसका नाम है बंटी स्वीट्स, बंटी ने बिल्कुल इसके बराबर में दुकान खोल ली, बंटी ने भी अपनी रसमलाई रख दी भाई साहब, बंटी ने बोला मेरी तो 30 रुपीज पर पीस है, लेकिन बंटी को चिंटू का मुकाबला करने में अभी 8 से 10 साल लग जाएंगे भाई साहब, और हो सकता है थोड़े कम लगे, 5-7 साल लगे, लेकिन लगेंगे क्योंकि ये नया बिजनेस है, चिंटू ने अपनी रेपुटेशन ऑलरेडी बना ली, तो इसको रेपुटेशन बनाने में समय लगेगा ना। तो बंटी ने सोचा यार मैं अपनी दुकान ना खोल के चिंटू की दुकान भी तो खरीद सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चिंटू की दुकान खरीदता हूँ, मैं अपनी दुकान ना खोल के मैं चिंटू को बोलता हूँ, अप्रोच करता हूँ चिंटू को कि भाई साहब आप ये चलती चलाई चिंटू स्वीट्स मुझे दे दो। ये चिंटू के पास गया, इसने चिंटू को बोला भाई साहब चलती चलाई मुझे दे दो अपनी दुकान। चिंटू ने बोला मेरी दुकान में जो टोटल माल है वो सब मिला के मेरी दुकान की जो वैल्यू बैठती है वो बैठती है 2 करोड़। चिंटू ने बोला मेरी दुकान की जो वैल्यू बैठती है वो बैठती है 2 करोड़, लेकिन
मेरी दुकान से क्या होगा, जब आप मेरी दुकान खरीद लोगे तो आप बिना अपना नाम यूज करे, भाई नाम तो चिंटू का है, बंटी अगर नई दुकान खोलता तो उसको पैसा कमाने में समय लगता क्योंकि उसका नाम धीरे धीरे बनता ना, लेकिन ये चली चलाई दुकान है तो बंटी ने इसकी चली चलाई दुकान खरीदी। चिंटू ने बोला मैं तो भाई देख ऐसा है कि 2 करोड़ रुपए का तो मेरा सामान है और मैं अपनी दुकान से हर साल 2 करोड़ रुपए कमाता हूँ, 2 करोड़ पर ईयर का मेरा प्रॉफिट आता है एवरेज बेसिस पे। आपका तो रिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप रिंग ना हो हमारी वीडियो के बीच में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब देखो क्या हो रहा है कि चिंटू ने ये बोला कि भाई मैं 2 करोड़ रुपए हर साल कमाता हूँ और 2 करोड़ रुपए आप मेरा नाम यूज़ करके आने वाले 4 साल तक कमाओगे, आप मेरा नाम यूज़ करके आने वाले 4 साल तक कमाओगे, तो आप कितना पैसा कमा लोगे, आप कमा लोगे 8 करोड़, आप कमा लोगे 8 करोड़ रुपए, वो भी मेरे नाम से। मतलब अगर तुम मेरी चली चलाई दुकान खरीदते हो तुम 8 करोड़ तो वैसे ही कमा लोगे अगले 4 सालों में, और 2 करोड़ का मेरा सामान है तो मैं तो भाई 10 करोड़ रुपए लूंगा, मैं तो 10 करोड़ रुपए लूंगा। अब बंटी तो हैरान हो गया भाई साहब, बंटी के तो हालत खराब हो गई। बंटी ने कहा अरे भाई 2 करोड़ रुपए का सामान है, आप मांग रहे हो 10 करोड़, ये 8 करोड़ किस चीज का मांग रहे हो? चिंटू ने बोला भाई साहब 8 करोड़ मेरी गुडविल है, इस गुडविल की वजह से आप पैसा कमाओगे ना, ये मेरी गुडविल का पैसा है। तो गुडविल चिंटू ने कैसे एस्टिमेट करी? चिंटू ने बोला कि देखो मैं लगभग हर साल 2 करोड़ रुपए बना रहा हूं और आने वाले 4 सालों तक, उसके बाद तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि भाई ये तो बंटी को बिक गई, लगभग एस्टिमेटेड है ये, लगभग 4 सालों तक तुम मेरे नाम की वजह से पैसा बनाते रहोगे। तो तुम लगभग कितना पैसा बना लोगे? 8 करोड़ बना लोगे, मुझे 8 करोड़ दो मेरी दुकान ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 8 करोड़ दे दो मेरी दुकान ले लो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे दे दो 8 करोड़। तो यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी सिखाऊंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि आने वाले कितने सालों तक आपकी गुडविल की वजह से सामने वाला बंदा पैसा कमाएगा, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, कि हर साल कितना कमाएंगे और कितने सालों तक कमाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो वो गुडविल है, ठीक है या नहीं है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो तो एक तो सम कर दो प्रॉफिट्स का, सम ऑफ प्रॉफिट, सपोज 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पहुंचा जोड़ दो, पहुंचा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इयर्स से, ठीक है, इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, डन। अब इसके बाद कुछ स्पेशलिटी है, कुछ स्पेशल नोट्स हैं, नोट लिखो जरा। नंबर 1, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, इट विल बी एडेड बैक, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो एड बैक हुआ। और नंबर 2, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गेन इट विल बी डिडक्टेड, अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो डिडक्ट होगा। सर इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो सपोज अब क्या हो रहा है, ये बंटी है अभी खुश है, बंटी गया चिंटू के पास और इसने चिंटू को बोला कि भाई चिंटू ऐसा है मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, आपका बिजनेस कितने का है? चिंटू ने कहा मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है 5 लाख रुपए तो मैं बिजनेस के लूंगा, मतलब 5 लाख के तो आपको एसेट से दूंगा भाई, दुकान दूंगा माल दूंगा, 5 लाख के तो एसेट से दूंगा प्लस अपना गुडविल का पैसा लूंगा क्योंकि आप मेरे नाम से भी तो पैसा कमाओगे, अगर आप चला चला कोई ब्रांड खरीदते हो तो ब्रांड के नाम से भी तो पैसा कमाते हो ना, तो वो अपनी गुडविल का पैसा भी मांगेगा। तो बंटी ने कहा ठीक है, चिंटू को बोला कि गुडविल बताओ भाई कितनी है, चिंटू ने बोला देखो जी गुडविल मेरी होगी जितना मैं एवरेज कमाऊंगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है मैं मान लेता हूँ कि
कि मेरा नाम तुम आने वाले 3 साल तक यूज कर पाओगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन है, तो मेरा नाम तुम आने वाले 3 सालों तक कमा पाओगे। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? उसने कहा मैं पिछले 5 साल का एवरेज करूंगा, 5 साल का एवरेज करूंगा कि मैं पिछले 5 साल से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं उसका एवरेज कर लेता हूं। हमने कहा ठीक है भाई बताओ। तो उसने कहा मैं पहले साल तो कमा रहा था 25,000 रुपये पर ईयर, दूसरे साल मैंने कमाए 35,000 रुपये पर ईयर, तीसरे साल मैंने कमाए 30,000 रुपीज़ पर ईयर, चौथे साल मैंने कमाए 50,000 रुपीज़ और पांचवे साल मैंने कमाए 40,000 रुपीज़। तो लगभग चिंटू का ये प्रॉफिट्स आ रहे थे। तो हमने कहा भाई एवरेज कैसे निकलेगा? अब एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, इन सबका टोटल कर दो। तो टोटल कितना आता है? 25, 35, 60, 90, 140, 180, ठीक है ना? 50 + 40 + 30 + 35 + 25, यस 180। तो टोटल प्रॉफिट तो हो गया 180 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का एवरेज निकाल रहे हैं। तो 180 डिवाइड बाय 5 यानी कि लगभग 36,000 रुपीज़ हर साल कमा रहा है। लगभग कितना पैसा कमा रहा है? 36,000 रुपीज़ लगभग हर साल कमा रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट 36 आया इंटू 3, तो 36,000 × 3 108,000 रुपीज़ वो अपने गुडविल के लेगा। वो बोलेगा भाई साहब 5 लाख का मेरा माल का पैसा दो और हमारी गुडविल का पैसा दो। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। गुडविल निकलना कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ गया। अब एवरेज को यहाँ रखो, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल आ जाएगा, है ना? अब सर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसी क्वेश्चन में करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रॉफिट्स गिवन थे हमें, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ। देखो ये प्रॉफिट्स गिवन थे और सडनली आपको दिखाई दिया कि इस साल 50 की जगह 250 का प्रॉफिट है, 50 की जगह कितना प्रॉफिट है? 250। अब भाई इसके प्रॉफिट्स देख के तो लग रहा था कि पहले साल इसने 25 कमाए, फिर 35 कमाए, फिर 30 कमाए, फिर 40 कमाए, लेकिन ये 250 थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार। 250 कैसे हो गया यार? मतलब इसको देख के, इसके ट्रेंड देख के तो लग नहीं रहा कि इतने पैसे कमा लेता होगा, लेकिन फिर भी अब भाई कमाए हैं तो कमाए। अब जो बंटी है वो थोड़ा अकाउंट्स में वीक था, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो एवरेज प्रॉफिट निकाला। निकालो जरा एवरेज। एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? 25,000 + 35,000 + 30,000 + 250 + 40,000, ये आ गया 380,000। कितना आ गया हमारे पास? 380,000 रुपीज़, ठीक है? और डिवाइड बाय 5, तो 380 डिवाइड बाय 5, 76,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 76,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट आ गया क्योंकि हमने इस बार 50 ना लेके 250 लिया हुआ है। और 76 × नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे, 76 × नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो अगर गुडविल निकालना हो 76,000 × 3, इस बार गुडविल आ रहा है 2,28,000। ये हमारा गुडविल है, ठीक है जी, ये हमारा गुडविल है। अब इस सिनेरियो में आप एक बात समझो, गुडविल यहां पे जो गुडविल 1,08,000 आ रहा था वही गुडविल यहां पे 2,28,000 आ रहा है। कितना गुडविल बढ़ के आ रहा है? फिर हमने एनालाइज करे इसके अकाउंट्स, तो हमने इससे पूछ ही लिया कि चिंटू एक बात बताओ यार, तुम 25,000, 35,000, 30,000, 40,000 तुम ये कमा रहे थे, ये सडनली 250 कैसे हो गया? तो चिंटू ने बोला भाई साहब ऐसी बात है कि इस साल मेरी 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी, 2 लाख की तो इस साल मेरी लॉटरी लगी थी, और मेरी लॉटरी लगी तो खूब पैसा कमाया मैंने, मजा आ गया भाई, फुल मजा आ गया, इतना पैसा बना लिया। हमने कहा अरे भाई लॉटरी तो किस्मत है यार, लॉटरी तो किस्मत है, वो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना है। इस लॉटरी की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया, एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया तो गुडविल बढ़ के आ गया और बंटी हमारा मारा गया। दिक्कत कहां आई, समझ रहे हो? ये जो लॉटरी का पैसा कमाया ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है,
ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको इसीलिए लिखवाया कि कभी भी, कहाँ लिखवाया मैंने तुम लोगों को, कोई भी एबनॉर्मल गेन दिखाई दे, कोई भी एबनॉर्मल गेन, तो सही गुडविल निकालनी है ना तो उसे हटा दो, इट विल बी डिडक्टेड, वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास जब हम बात करेंगे ना तो 250 में से 2 लाख रुपए जो लॉटरी के हैं वो माइनस होंगे और एक्चुअल में हम वापस से फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, इसी 50,000 पे पहुंच जाएंगे। हम अपने क्वेश्चन में ये 50 ही यूज करेंगे, समझे? तो अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है तो वो प्रॉफिट्स को अननेसेसरली बढ़ा देता है, और प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं तो गुडविल भी बढ़ के आ जाता है। तो सही वैल्यू निकालने के लिए हम एबनॉर्मल गेन को हटा देंगे। समझ में आई बात? क्यों हटाना है, मैं आपको लिखवा देता कि भाई एबनॉर्मल गेन क्या कर देना, तुम लोग हटा देना, माइनस कर देना, तो वो भी कर देते बच्चे, आधे करके आएंगे, नंबर लेंगे, बट पता तो होना चाहिए भाई क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है। सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो वो प्रॉफिट्स को कम कर देता है। एबनॉर्मल, सर एग्जाम्पल आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक फर्म है जिसने पहले साल 2 लाख रुपए कमाए, फिर 3 लाख कमाए, उसके बाद सडनली सिर्फ और सिर्फ 20,000 कमाए, फिर 3 लाख कमाए और फिर लगभग 4 लाख रुपीज कमाए। तो हम देख रहे हैं यार कि अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इसका एवरेज लूं तो एवरेज आता है 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 20,000, इसका टोटल आ रहा है 12,20,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 साल का है, तो 2,44,000 का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। सपोज नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो गुडविल इज 2,44,000 इंटू 3, 7,32,000 रुपीज का गुडविल आ गया। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ आया यार हर साल लाखों में कमा रहा है, यहाँ पे सडनली सिर्फ 20,000 कैसे रह गया। तो बाद में पता चला कि इस साल इसकी दुकान में आग लग गई थी और इसको 1,80,000 रुपीज का लॉस हो गया था, 180 का लॉस बाय फायर, आग लग गई थी। अब सर एक बात बताओ, आग लगना तो किसी के हाथ में नहीं है ना, आग तो लग कभी भी लग सकती है, किसी के भी बिजनेस में लग सकती है। तो लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर एक कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है यार, वो बिजनेस की वजह से नहीं हुआ, इसके बिजनेस करने की सिचुएशन में कोई कमी नहीं थी, बिजनेस इसने बहुत अच्छा करा, ये 2 लाख कमाता लेकिन क्योंकि 180 का नुकसान हो गया तो बस 20 बचा। तो हम क्या बोलते हैं यार ये गुडविल गलत है, क्योंकि इसने जो एक्चुअल में कमाए थे ना वो 2 लाख प्लस 180 2 लाख कमाए थे, ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस वापस से जोड़ो तब आप एक्चुअल प्रॉफिट पर पहुंचोगे। तो इसका जो एवरेज एक्चुअल आएगा वो आएगा 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख, यानी 14 लाख इसका टोटल आएगा, ये सब जोड़ के, ये सब जोड़ के 14 अपॉन 5 280, और जो इसका गुडविल आएगा वो आएगा 280 इंटू 3 8,40,000। देखो डिफरेंस, ये एक्चुअल गुडविल का पैसा है जो इसको मिलना चाहिए, पहले ये मिल रहा था एबनॉर्मल लॉस की वजह से, लेकिन ये मिलना चाहिए। तो दैट इज़ दी ओनली रीज़न मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो उसको वापस से ऐड बैक करना है, कोई भी एबनॉर्मल गेन हो तो उसको हटाना है, तब आप एवरेज प्रॉफिट पे पहुंचोगे और फिर आप सीधा गुडविल निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, मैंने आपको बोला ना हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, एक मिल गया। ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सर एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लें, ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। अब देखो ये दो चीजें सबसे पहले पकड़नी बहुत जरूरी है, एवरेज कितने सालों का लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स क्या है, ये पहले साल का है, दूसरे साल का है, नेगेटिव का मतलब होता है लॉस,
नेगेटिव का मतलब होता है लॉस, तो जैसे हम प्रॉफिट प्लस करते हैं वैसे ही लॉस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये चौथा और ये पांचवा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कुछ एक आग वगैरह लगी है, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है, उसके बाद एक टैक्स रिफंड मिला है, तो ये सब इसका मतलब एडजस्टमेंट्स हैं, ये हमें प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो कैसे कैलकुलेट होगी गुडविल, आओ देखते हैं। गुडविल है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 3, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन थे, ठीक है। और जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट एग्जाम्स में प्लीज फुल फॉर्म यूज करके आना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, पिछले 5 सालों का निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल। सर एडजस्टमेंट टेबल कैसी और क्यों बना रहे हैं हम? एडजस्टमेंट टेबल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स को लेके कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, वो हमें करनी है। ओके सर, कितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है? 5 साल के, 1, 2, 3, 4, 5 पर्टिकुलर्स और 13, 14, 14, 15, 18 तक जाना है, ठीक है। 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, ठीक है। इन 5 सालों के प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस हमें गिवन है, कितने कितने प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 4 लाख, 5 लाख, 60, 1.5, 2.5, 4 लाख, 5 लाख, 60,000 नेगेटिव, 150 और 250। देखो ये प्रॉफिट्स गिवन है, 4 लाख, 5 लाख, 60,000, 150 और 250। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। देखो जी, 4 लाख, 5 लाख, 60,000, 150 और 250 एडजस्टमेंट क्या थी? सबसे पहले ऑन 1st January 2016, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से ईयर में आएगा। 1st January 16 जो है वो मार्च 16 से तो पहले ही आता है, जनवरी तो ऑब्वियसली मार्च से पहले आएगा, तो मार्च 16 ये है, ये जो साल है ये 1 अप्रैल 15 को शुरू हुआ और 31 मार्च 16 पे खत्म हुआ, यानी इस वाले साल की बात कर रहे हैं, है ना। 15-16 का मतलब 31st मार्च 16 को खत्म होगा। जनवरी 16 में यानी इसी साल अब फायर ब्रोक आउट, फायर का मतलब आग लगी, और हमारे पास लॉस हो गया कितने का, 3 लाख रुपीज का, यानी इस साल एक लॉस बाय फायर है 3 लाख रुपीज का। अब सोचो जल्दी से, लॉस बाय फायर एक नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? आग लगना इज एन एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस है कंप्लीटली। तो अगर एबनॉर्मल लॉस है तो सर क्या करें हम एबनॉर्मल लॉस का? एबनॉर्मल लॉस हम ऐड बैक करते हैं। मैंने क्या सिखाया था आपको, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस। कितना है सर एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिखा है अ क्लेम ऑफ 70,000 वॉज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हमारे गुड्स इंश्योर्ड होंगे, फॉर्चुनेटली हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 70,000 का क्लेम दे दिया, पैसा मिल गया। तो अब इंश्योरेंस मिलना एक नॉर्मल सी चीज है या ये भी एबनॉर्मल गेन है? भाई पैसा मिल रहा है लेकिन माल बेच के थोड़ी ना मिल रहा है, इंश्योरेंस भी एक एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हो, माइनस कर देते हो। एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड, लिखवाया था मैंने आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, 70,000 यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, लेस करेंगे एक एबनॉर्मल गेन। इसके बाद है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, एंडेड 31st मार्च 18, 31st मार्च 18 का मतलब तो बेटा जी यही लास्ट वाला होगा। इसमें इस साल में क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। लो जी, इन्होंने टैक्स जमा करा होगा और उस टैक्स का रिफंड आ गया। रिफंड कितना आया,
80,000 rupees, 80,000 rupees का रिफंड आ गया, तो ये भी एक एबनॉर्मल गेन है भाई। सरकार कभी टैक्स वापस बहुत कम देती है भाई, रिफंड आना एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। टैक्स रिफंड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना इंश्योरेंस क्लेम, और यहाँ पे लिख देंगे टैक्स रिफंड, ये भी हम हटाएंगे, लेस कर दो। कितना टैक्स रिफंड है, 80,000 रुपीज, ये हम लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट्स निकल के आए वो कितने आए, ये तो सेम रहा 4 लाख, ये भी सेम रहा 5 लाख, ये 3 लाख में से 130 हटा दो तो 170 बचेगा, है ना। उसके बाद ये भी सेम रहा 150, और ये 250 माइनस 80 इज 170, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स आए, अगर मैं कोई कैलकुलेशन एरर कर दूँ तो प्लीज़ ठीक कर लेना। एवरेज निकाल देते हैं, मतलब हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन सब का सम कर दो, इन सब को जोड़ दो, तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, 13,90,000 डिवाइड बाय 5, 13,90,000 डिवाइड बाय 5, 2,78,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 13,90 डिवाइड बाय 5, 278, ओहो यहाँ लिखना था 13,90 डिवाइड बाय 5, 2,78,000। इस 2,78,000 को यहाँ पे रखो, 2,78,000 इंटू 3, तो 8,34,000 रुपीस की हमारी गुडविल आ गई, 8,34,000 रुपीस का हमारा गुडविल आ गया। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए कितने साल का निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज पता होने चाहिए। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड बैक कर दो, कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर दो, फिर आप करेक्ट प्रॉफिट्स पर पहुंच जाओगे, उससे एवरेज निकालो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो आज हमने एक बेसिक क्वेश्चन करा, अब अपनी बुक्स खोलो, चाहे डीके यूज़ करते हो या टीएस यूज़ करते हो या कोई भी बुक यूज़ करते हो, खोलो, उसके शुरू में ही एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन उठाओ और ट्राई करो। चलो यार क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बराबर बांटेंगे। दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, सी एक नया पार्टनर आ रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। चलो जी, यानी कि गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 150%, 150% को आप 1.5 टाइम्स बोल सकते हो, 150% इज 150 अपॉन 100, तो उसको आप 1.5 टाइम्स बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट आपको 5 सालों का निकालना है, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय 5 वो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब प्रॉफिट्स में क्या है, प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं हमेशा की तरह। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, आप कहाँ जा रहे हो, 5 साल के हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 5 साल के कौन कौन से हैं हमारे पास, 5 साल के हैं 15, 16, 17, 18, 19, 2015, 16, 17, 18 और 19, इन 5 सालों के प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हुए हैं, ठीक है जी। क्या क्या है, 40,000, 60,000, 1 लाख, 20,000, 40, 60, 1 लाख, 40, 60, 1 लाख, 20,000 का लॉस और 1,50,000 का प्रॉफिट, ये हमें 5 सालों के प्रॉफिट्स और लॉसेस दिए हुए थे, ठीक है। ओके सर, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा काम हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, यानी इस वाले साल की बात हो रही है, 31st मार्च 2016, एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, एक एसेट जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपए था, विद बुक वैल्यू ऑफ 150,
इसका डेप्रिसिएशन लगते 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 इसकी आज की वैल्यू 150 हो चुकी है, ओरिजिनल 2 लाख था लेकिन आज 150 हो चुका है। इट वॉज सोल्ड फॉर 124, 150 वाला एसेट 124 में सेल आउट हो गया। इसका क्या मतलब है, 150,000 वाला एसेट अगर 124,000 में बिका तो 26,000 रुपीज का लॉस हो गया। 150 वाला 124 में बिका तो 26,000 का लॉस हुआ है। ये जो लॉस है ये कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है भाई, गुड्स बेच के अगर लॉस होता है तो वो एक नॉर्मल लॉस है। एसेट बेचा था उसको बेच के लॉस हो गया तो ये हमारा एक कैपिटल नेचर का लॉस है। कोई भी ऐसा लॉस हो वो एड बैक हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करूँगा मैं एक एबनॉर्मल लॉस इस साल 26,000 रुपीस, क्योंकि हमारे पास जो एसेट है वो 150 वाला 124 का बिका था, 26,000 का लॉस हुआ था। नेक्स्ट क्या है, ऑन 1st April 2017, यानी कि इस साल की बात हो रही है, ये 31st March 2017 को खत्म हो गया, 1st April 2017 से 31st March 2018 ये ईयर है। ऑन 1st April 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज, ध्यान से समझना, दो कंप्यूटर खरीदे गए एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। बेटा जी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने कोई दो कंप्यूटर खरीदे, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को टिटोलना है और ध्यान से देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने मजबूत हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें खर्चे और इनकम्स लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हमने कंप्यूटर खरीदे थे तो वो मेरा बैलेंस शीट वाला पार्ट था, एसेट था, मैंने वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा मान लिया। थी कोई चीज एसेट, हमने गलती से खर्चा मान लिया, तो जो मेरा खर्चा था ही नहीं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था, कैश से कम होता और एसेट में दिखाई देता, वो एक्सपेंसेस में नहीं दिखाते। हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं और कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाता है, खर्चे में नहीं जाता, वहां एसेट बनता है। तो हमने गलती से खर्चे में डाल दिया, सर खर्चा बढ़ा इट मींस प्रॉफिट कम हो गया। कहीं पे भी आप खर्चा बढ़ाओगे तो इनकम तो कम हो ही जाएगी ना, प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा ना, तो आपने गलत खर्चा लिखा जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो अब जब इसको सही करूंगा, खर्चा हटाऊंगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो बात को। दोबारा से सुनो, कंप्यूटर खरीदे बैलेंस शीट में जाने थे, गलती से खर्चे में डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, खर्चा बढ़ा प्रॉफिट गिर गया। जब ये खर्चा कम करूंगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पहले तो इसको ऐड करो इस साल में 1 लाख रुपीज के, सही करो जरा जल्दी से फटाफट से। 1 लाख रुपए हमारे पास ऐड होंगे, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था मेरा चार्ज्ड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया 1 लाख रुपए का, तो इसको ऐड कर दिया। अब सर खर्चे से अगर इसको हटाया है तो ये अपनी सही जगह पे गया होगा, इसकी सही जगह क्या थी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अब एसेट बन गया, एसेट यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएट तो होगा, है ना, एसेट बना तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, वैल्यू तो कम होगी, तो वैल्यू जब कम होगी तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, उसको हम इधर P&L में दिखाते हैं, वो प्रॉफिट को कम करेगा क्योंकि वो उसकी सही जगह है भाई, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट तो कम होगा ना, तो उसको अब हम लेस करेंगे क्योंकि वो एक नॉर्मल खर्चा है, लेस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। ये मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। सर डेप्रिसिएशन कितना लगना है और कौन से मेथड से लगना है ये देखना जरूरी है। डेप्रिसिएशन जो है, डेप ऑन कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन WDV, 20% WDV से, ठीक है सर। तो 1 लाख का 20% पहले साल में 20,000 और दूसरे साल में 1 लाख में से 20 हटा दो, वैल्यू बची 80। अब 80,000 पे 20%, 80,000 पे 20% हमारे पास आ जाएगा 16,000, वो यहाँ से हटा दो तो आपके पास वैल्यू देखो ये 40 आ गया, 60 + 26 86,000 का ये आ गया, ये सेम रहा 1 लाख, ये 1 लाख में से 40,000 गया तो 60,000,
150 में से 16 गया तो 134,000 का ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका, जल्दी से सम करते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? अगर हमें कैलकुलेट करना हो 40,000, 86,000, 1,00,000, 60,000, 134,000, 4,20,000 बेटा जी टोटल आ रहा है इन सबको जोड़ के। 4,20,000 डिवाइड बाय 5 तो 84,000 आ गया। 84,000 का एवरेज प्रॉफिट इनटू 1.5, 1,26,000 रुपीज़ की आपकी गुडविल आ गई। बस मेन बात क्या याद रखनी है कि अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया जाए, यानी कि एसेट को अगर खर्चा बना दिया जाए, खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, तो सही करने के लिए खर्चा कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक बात याद रखना, अगर आपका इसके हमेशा दो इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर आपने पहला वाला ऐड करा तो दूसरा वाला लेस ही होगा, पहला वाला लेस होता है तो दूसरा वाला ऐड होता है, ये मैं अभी आपको आगे सिखाता हूँ। ठीक है जी, दिस इज डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पक्का टेस्ट में दूंगा इस वीक में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला क्या है जी? अगला हेडिंग डालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या मतलब होता है? देखो, अगर कभी भी प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड्स हैं, इफ देयर इज एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, वी विल फॉलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कभी भी अगर प्रॉफिट्स में कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है, सर इंक्रीजिंग ट्रेंड का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब है प्रॉफिट ऐसे दिख रहा है 4,000, 8,000, 10,000, 11,000, देखो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इसको बोलते हैं। इसका उल्टा हो 11, 10, 8, 4 कम ही हो रहा है, उसको डिक्रीजिंग ट्रेंड बोलते हैं। तो कभी भी अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड हो, या तो कम ही हो रहा है या ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको हम वहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, जहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वेट्स। एक्स डब्ल्यू का क्या मतलब है? प्रॉफिट्स इंटू वेट्स। तो आपको सम चाहिए प्रॉफिट्स इंटू वेट का, डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फॉर्मूलाज का। अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ इसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, ये तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स को भी छोड़ दो फिलहाल, पहले एक बेसिक समझ लो कि अगर ये एडजस्टमेंट ना हो, ठीक है, तो देखो 36, 170, 190, 2,00,000, 350 बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन करो, भी एडजस्टमेंट्स मत करो, सो दैट एक बार क्लैरिटी आ जाए। अगर इससे गुडविल निकालना हो, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। इमेजिन कर लो कि इसमें ये कुछ नहीं है, फिलहाल ये कुछ नहीं है, फिर मैं एडजस्टमेंट्स के साथ भी कराऊंगा, बट पहले सिंपल करना सीखो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट 5 ईयर्स के लिए मुझे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया x इंटू डब्ल्यू का सम
डिवाइड बाय सम ऑफ W। तो पहले प्रॉफिट्स ले लेते हैं जिसको मैंने X बोला है, फिर वेट्स ले लेते हैं जिसको मैं W बोलूँगा, और X into W कर दूंगा। प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है 5 साल के? प्रॉफिट्स जो गिवन है 36, 170, 192 lakh और 350, और वेट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। वेट्स आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगे, अगर गिवन ना हो तो आप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5 दे सकते हो, ठीक है। एक्स इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 36,000, 170 into 2, 340, उसके बाद 190 into 3, 570, 2 lakh into 4, 8 lakh, 350 into 5, 17 lakh 50,000, ठीक है। अब इसका सम कर दो, क्योंकि आपको सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स चाहिए होता है। ये है आपके पास 36,000 plus 3 lakh 40,000 plus 5 lakh 70,000, 8 lakh 17 lakh 50,000, 34 lakh 96,000, और सम ऑफ वेट्स ये आ गया 15। 34 lakh 96,000 डिवाइड बाय 15 ये आ रहा है 233,066। एवरेज बेसिस पे 233,066 ये आ गया। अब हमें गुडविल निकालना है तो यहाँ पे रख देंगे 233,066 into 2 अगर हम कर दें तो 466,132 ये आपका गुडविल आ जाता है। तो देख रहे हो, अगर एडजस्टमेंट ना हो तो विदाउट एडजस्टमेंट आपको कैसे निकालना है, बस सिंपली प्रॉफिट्स इनटू वेट्स करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसका सम करो, ऐसे वैल्यू पुट करो और गुडविल सिंपली जो भी बोलता है वो निकाल दो। तो दिस इज हाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन होता है हमारे पास सिंपली विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आइए जी शुरू करेंगे, बट मेरे साथ साथ एक एडजस्टमेंट लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, आपको एग्जाम में कई बार ये पॉइंट आ सकता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक या तो ज्यादा लिखा गया है यानी कि ओवर वैल्यू है, या फिर कम लिखा गया है यानी कि अंडर वैल्यूड है। तो उस सिनेरियो में क्या करना है, एक बात समझ लो कि सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया हुआ होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया हुआ होता है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से चीजें माइनस करनी पड़ेगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उसने फिर प्रॉफिट को भी कम किया हुआ होता है। इसको ठीक करने के लिए हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रिश्ता है, यहाँ पे जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीधा सीधा रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। ये जो रिश्ता है ये सीधा सीधा रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, हम ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ हुआ है, हम ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। बात करूं अगर ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट कम हुआ हुआ होता है। ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ होता है तो इट मींस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता है लड़ाई वाला रिश्ता, लड़ाई वाला। एक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट गिर गया, सही करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। कम था तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, सही करने के लिए प्रॉफिट को कम कर देंगे। सर कैसे, मतलब समझ सा नहीं आया थोड़ा सा। आओ जी, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चिंटू का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है। सपोज करो यहां पे ओपनिंग स्टॉक, एजम्पशन ले रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक ले लो 1,00,000, ठीक है। उसके बाद आपकी नेट परचेजेस ले लो 2,00,000, सेल्स ले लो 5,00,000, क्लोजिंग स्टॉक ले लो 20,000। तो आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आएगा, कैसे निकालते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट? 5,20,000 में से 3,00,000 हटा दो तो 2,20,000 का प्रॉफिट आ गया। देखो ये आपके पास 2,20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपको अगर बोलूं कि गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, सपोज क्लोजिंग स्टॉक में 1,00 एक्स्ट्रा लग गया, 5,00,000 में 20,000 की जगह क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 हो गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 हो जाए ना बेटा, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है ये 2,20,000 नहीं आएगा, 7,00,000 माइनस 3,00,000, 4,00,000 आ जाएगा। देखो इट मीन्स अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में गलती से 1,80,000 बढ़ गए, क्योंकि हमने 20,000 को 2,00,000 बनाया ना, 180 बढ़ गए, तो यहाँ देखो आप प्रॉफिट में भी 180 बढ़ गए, 220 से 4,00,000 हो गया, यहाँ पे भी 180 बढ़ गए। मैंने आपको यही बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होता है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होता है, सही करने के लिए प्रॉफिट घटा दो। देखो यही तो हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 180 से बढ़ा हुआ था तो प्रॉफिट भी 180 से बढ़ गया, सही करने के लिए आपको कम करना पड़ेगा। और अगर ये होता कम, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता तो प्रॉफिट भी कम हो जाता, सही करने के लिए आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता, समझ रहे हो? ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक के साथ है। ओपनिंग स्टॉक में आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल लेके देखना, चलो मैं ही लेके दिखाता हूँ, आओ फटाफट से हाइपोथेटिकल ओपनिंग स्टॉक को भी समझते हैं। एक ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक ले लो वही 1,00,000, नेट परचेजेस 2,00,000, सेल्स ले लो आप 3,00,000, क्लोजिंग स्टॉक आप ले लो 2,00,000। तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, 3 और 2, 5, 5 माइनस 3, 2,00,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 2,00,000 का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब सपोज ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ हो, हाइपोथेटिकली वैसे ही ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 ना लिख के हमने गलती से 2,00,000 लिख दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 से बढ़ा दिया। अब चेक करो प्रॉफिट कितना आएगा, 5 माइनस 4 1,00,000। तो देखो जो प्रॉफिट है वो 2,00,000 से 1,00,000 आया, इसका मतलब 1,00,000 कम हो गया। अगर ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 बढ़ा था तो प्रॉफिट 1,00,000 कम हो गया, मैंने यही लिखवाया था आपको कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, सही करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का कैसा रिश्ता है, सीधा सीधा, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होता है, सही करने के लिए कम कर दो। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट गिरा हुआ है, सही करने के लिए बढ़ा दो। बस ये माइंड में सेट रखना चीज़ें, तुम्हें एक्सप्लेन थोड़ी ना करनी है, लेकिन मैंने समझा भी दिया आपको कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था हमारे पास
गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. ठीक है जी, गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे पता है कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू. प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर देना अगर ऐसा लिखोगे कि एक्स का मतलब प्रॉफिट है, डब्ल्यू का मतलब वेट्स है. ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहले तो क्या करने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे. पहले तो प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे ना. सही, 5 साल के प्रॉफिट्स हैं. कौन कौन से 5 साल हैं हमारे पास, 15, 16, 17, 18, 19. प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस कितने कितने दिए हुए हैं, 36, 170, 190, 2 लाख. ठीक हो गया, तो हमारे पास 36,170, 190, 2 लाख और 350. अब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं. सर एडजस्टमेंट्स क्या क्या हुई हैं, सबसे पहले तो 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ 50,000 रुपीज़ का. चलो जी, 2015 में एबनॉर्मल लॉस हुआ, ऐड कर दो, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो वो ऐड हो जाता है, 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे. 2015 में ये हुआ था. ठीक है, एबनॉर्मल गेन हुआ 30,000 का 2016 में 30,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ, इसको माइनस कर दो, लेस एबनॉर्मल गेन. लो सर ये भी कर दिया. इसके बाद ध्यान से देखेंगे, रिपेयर टू द कार अमाउंटिंग टू 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट. जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था उसका उल्टा है, हुई थी रिपेयर यानी कि खर्चा था, हमने गलती से व्हीकल में डाल दिया, हमने एसेट में डाल दिया. गलती क्या करी था, वो खर्चा खर्चे में नहीं लिखा, एसेट में लिख दिया. इट मीन्स खर्चे में नहीं लिखा तो खर्चे कम है, खर्चे कम है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा. खर्चे कम है क्योंकि खर्चे में तो लिखा नहीं, व्हीकल में लिख दिया, था वो खर्चा, खर्चा कम है तो प्रॉफिट बढ़ गया. सही करने के लिए वहां से हटा के इधर खर्चे में डालूंगा, खर्चे में डालूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चा बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा, है ना. तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा. इस बार है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. चार्ज्ड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, लो जी कितना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने का खर्चा था, रिपेयर टू कार 40,000 रुपये का था और 1 जनवरी 2018 यहाँ पे 40,000 रुपीज़ यहाँ आपको लेस करने पड़ेंगे. अब देखो आपने क्या माना हुआ था, आपने इसको व्हीकल माना हुआ था, खर्चा ना मान के व्हीकल माना हुआ था, तो आप तो डेप्रिसिएशन लगा रहे थे. डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब है कि आप प्रॉफिट को कम कर रहे थे, यहाँ पे खर्चे में डेप्रिसिएशन डाल रहे थे एक उस चीज़ का जो आपका एसेट था ही नहीं. जब आपने उसको एसेट से हटा दिया तो यहाँ से डेप्रिसिएशन भी हटेगा, जब वो एसेट में ही नहीं रहा तो डेप्रिसिएशन भी नहीं रहा, तो डेप्रिसिएशन भी हटाओ, डेप हटाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना. ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ पे वो पहले ऐड होता है तो डेप्रिसिएशन हमेशा लेस ही होगा, यहाँ पे आप लेस कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा. ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन व्हीकल पे है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन पहले साल ये जो व्हीकल है ये 1 जनवरी 2018 को लिया गया था, तो 1 जनवरी 2018 का मतलब पहले साल में 3 ही महीने का काम होगा, जैन फेब और मार्च. 10% के हिसाब से 40,000 पे 10% बैठता है 4,000, और क्योंकि 3 ही महीने का है तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़. अगले वाले में पूरा 4,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम ही चलेगा. ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 2018 का अंडर वैल्यूड है, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है. मैंने क्या सिखाया आपको, क्लोजिंग स्टॉक में सीधा सीधा रिश्ता है, कम है अगर क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट भी कम है, ठीक करने के लिए बढ़ा दो. ठीक है, कितना अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यूड है 2018 का, अंडर वैल्यूड है तो आप बढ़ाओ.
ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्योंकि अंडर वैल्यूड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो इसने प्रॉफिट को भी गिराया हुआ है, सही करने के लिए बढ़ा दो। अब बेटा जी सोचने वाली बात यह है कि अगर इस साल का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है तो अगले का ओपनिंग भी तो अंडर वैल्यूड हो गया, गलती हो गई हमारे से। अगर इस साल का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है भाई साहब, 31 मार्च का स्टॉक कम लिख दिया तो 1 अप्रैल का ओपनिंग भी कम लिखा गया, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो इट मींस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए घटा दो अगले साल का, अगले साल ये 50,000 माइनस हो जाएगा। अब आपके पास सही प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। आपके पास सही प्रॉफिट्स निकल के आएंगे 36 और 50 86 170 30 140 190 250 40 2 11 और 350 50 3 लाख प्लस 4 3 लाख 4 हजार। लो सर अब एवरेज निकालो 86,000, नहीं वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो फिर ये तो प्रॉफिट्स हो गए, ये आपके प्रॉफिट्स हो गए। वेट्स कितने कितने देने थे, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, फिर 4, फिर 5, कर दो जी मल्टीप्लाई। पहला वाला 86,000 इंटू 1, ये तो 86,000 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 140 इंटू 2, 280, 190 इंटू 3, 570, 211 इंटू 4, 844, 304,000 इंटू 5, 1,520,000। लो जी ये आ गई आपके पास प्रॉफिट्स इंटू वेट्स। इसका सम चाहिए अब मुझे, 86,000, 280, 570, 844, 1520, 33 lakhs। इसका सम आ रहा है 33 lakhs, डिवाइड बाय 15 वेट्स का सम, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 2,20,000। इसको यहाँ रखेंगे, 2,20,000 इंटू 2, 4,40,000 रुपीस का आपका गुडविल आ गया, समझे बेटा जी। तो दिस इज हाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक बड़ा क्वेश्चन होता है विद ऑल द एडजस्टमेंट। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, बट उम्मीद है आपको समझ आ जाता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है, तो कैसे निकालनी है गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। अब हम सुपर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको निकालना आता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये तो पता है ये नया किस चिड़िया का नाम है, आओ जी इस चिड़िया की बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना पैसा बिजनेस में लगा है, इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको एनआरआर भी बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको हम एनआरआर भी बोलते हैं,
अपॉन 100, ठीक है। और कई बार कैपिटल गिवन नहीं होता, ये कैपिटल गिवन नहीं होता, तो इसको कैपिटल को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और एक है टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब जितने भी आपके पास रिजर्व्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, वो सब ऐड कर दो, और सरप्लस कोई P&L का बैलेंस है तो वो प्लस माइनस कर लो। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। सबसे पहले तो आप फॉर्मूलाज नोट करो, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन और इसका मीनिंग समझाता हूँ। लो क्या क्या आ गया हमारे पास। सबसे पहले गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अभी तक आप एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको निकालना आता है, नॉर्मल कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। लो सर अब शुरू करते हैं। देखो अब वन ऑन वन इन टर्म्स का मतलब जानते चलो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ये तो आपको पता है कि बस एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट यूज कर लिया। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, देखो मैंने बोला कि एक बहुत पॉपुलर दुकानदार है जिसका नाम है चिंटी। ये जो चिंटी है इसकी दुकान है 10 साल से 10 ईयर्स से, ठीक है जी, और इसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है 10 लाख रुपए, 10 लाख लगाए हैं, ये इसकी कैपिटल है जो इसने बिजनेस में लगाई हुई है, और ये इस बिजनेस से 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लेती है, 2,50,000 का प्रॉफिट बना लेती है आसानी से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसने 10 लाख पे 2.5 लाख का प्रॉफिट बनाया तो कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया, इसने प्रॉफिट बनाया 25%, 250 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 25% कमा लिया या नहीं कमा लिया। अब एक नया इंसान आ रहा है मार्केट में जिसका नाम है चिंटू, चिंटू बादशाह। तो चिंटू बादशाह आ रहे हैं हमारे पास और चिंटू ने बोला मैं भी ये बिजनेस करूंगा। इसने देखा चिंटी का तो बढ़िया बिजनेस है यार, मैं भी ये बिजनेस करूंगा, यही बिजनेस करूंगा, और मैं भी 10 लाख रुपए लगाऊंगा। अब चिंटू ने आसपास देखना शुरू करा कि नॉर्मली जितने भी लोग ये बिजनेस करते हैं, चिंटी तो चलो वेल रेप्यूटेड, 10 साल पुरानी दुकान, पुरानी दुकान को तो ऑब्वियसली पैसा कमाने को मिलता है। अब इसने आसपास देखा जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मली 10 लाख पे कितना पैसा कमा रहे हैं, तो इसने देखा कि जो नॉर्मल लोग हैं वो 10 लाख पे 15% कमाते हैं। कितना परसेंट कमाते हैं, 15%। ये जो 15% है ये सभी नॉर्मल लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब इसी को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कि अगर कोई भी बिजनेसमैन ये बिजनेस को देखे, समझे, एनालाइज करे, तो उसको ये समझ में आए कि एक आम इंसान, एक नॉर्मल बिजनेस इस पे 15% कमा लेगा। तो 10 लाख लगा के चिंटू कितना पैसा कमा लेगा, 1,50,000। तो यहां पे आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 150, और चिंटी कितना बना रही है, 250। पैसा दोनों ने सेम लगाया था, इसने भी 10 लाख रुपए लगाए, इसने भी 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन यहां प्रॉफिट बन रहा है नॉर्मल रेट के हिसाब से 1.5 लाख, यहां प्रॉफिट बन रहा है 2.5 लाख। सर ये कितना एक्स्ट्रा कमा रही है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एक्स्ट्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर इज एवरेज प्रॉफिट जो चिंटी कमा रही है, चिंटी कमा रही है 2.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती, यानी कि 1.5 लाख। तो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और ये 1 लाख का प्रॉफिट कौन कमा रहा है, ये 1 लाख का प्रॉफिट कमा रही है चिंटी एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ हर गुडविल। बात समझे, तो गुडविल को देखने का एक तरीका तो एवरेज प्रॉफिट से था, दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैपिटल इनटू 15%। ये 15% क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो मैंने यहां पे यही तो लिखवाया था, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 15 अपॉन 100 ही तो करोगे परसेंटेज को, है ना। अब कई बार कैपिटल गिवन नहीं होता सर, तो कैपिटल में आपने क्या करा, देखो अगर कैपिटल गिवन ना हो तो सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट में आपके पास
लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. और एसेट्स में क्या क्या है? एसेट्स में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश, डेटर. ये सब 2-2 लाख के हैं. 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है. उसके बाद ए और बी की कैपिटल दी हुई है 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख. उसके बाद आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं 5 लाख की, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. तो अब आपके पास या इसको 5 लाख की जगह लाइबिलिटी को 4 लाख ले लो, 1 लाख के रिजर्व्स ले लो, बीच में रिजर्व्स ले लो. रिजर्व्स आ गए 1 लाख और लाइबिलिटी आ गई 4 लाख. तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कैपिटल निकालनी हो तो या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर मैं करूं तो एसेट है 2, 4, 6, 8, 10, 10 लाख माइनस लाइबिलिटी है 4 लाख, वैल्यू आया 6 लाख. कैपिटल कितना आ गया? 6 लाख. या फिर दूसरा तरीका क्या है, टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो टोटल ऑफ कैपिटल 2, 2, 4 और आधा आधा 5 और 1, 6, 6 लाख. देखो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो. एग्जाम में हो सकता है दोनों का डेटा गिवन हो सकता है एक का डेटा गिवन हो. तो एक भी दिया हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से मेथड से करना है ना. तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला का मैंने ओपन अप कर दिया आपके सामने कि इसका मतलब क्या है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है कि कैपिटल लगा के कोई भी नॉर्मल फर्म किस परसेंटेज से कमा रही है, ये आपको गिवन होगा. एनआरआर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, 10%, 8%, 12%, 15%, ये गिवन होगा, ठीक है. उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे पता चलता है? एवरेज माइनस नॉर्मल. फिर गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो इसको जल्दी से नोट करो. अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. तो अब हम क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, मुझे केबीसी वाला फील आ गया. सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. क्वेश्चन है, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 70,000. It includes an abnormal profit of ₹5,00,000. I'm really sorry. Capital invested in the business is ₹5,50,000 and normal rate of return is 10%. Calculate the goodwill at 4 times the super profit. अरे वाह, इसे तो हम orally कर लेंगे. बच्चे हमारे orally ही कर सकते हैं इसको. तो क्या है हमारे पास, बड़े ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70 है और इसमें एक abnormal गेन है ₹5,000 का. तो आपने क्या सीखा है, abnormal गेन हमें हटाना होता है. एबनॉर्मल गेन हम यूज नहीं करते हैं, तो एबनॉर्मल गेन हटाएंगे यहां से. 70 माइनस 5, 65 इसका एवरेज प्रॉफिट हो गया. देखो जरा फटाफट से, इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 65. जो एवरेज प्रॉफिट है वो हो गया 65, क्योंकि 70 में से एबनॉर्मल गेन मैंने हटा दिया, ठीक है. उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 550, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. कैपिटल इन्वेस्टेड 550, कैपिटल 550, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है कितना परसेंट, वो है 10%, वो है 10%. तो अब सोचो 550 अगर कैपिटल लगती है तो एक नॉर्मल बिजनेस 10% कमाता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा 550 का 10%, 5,50,000 इंटू 10/100, यानी कि 55,000. ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. और एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 65. इसका मतलब आप कमा रहे हो 65 और एक नॉर्मल फर्म कमाएगी 55, तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो? 10,000. दैट इज सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो आपके पास 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया. एंड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है? 4 times द सुपर प्रॉफिट, 4. तो 10,000 इंटू 4, 40,000 का गुडविल आ गया. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से. नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट गिवन था, क्वेश्चन डन. अगले सवाल पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर अभी वीडियो को यहीं पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना शुरू करो. अब देखते हैं कि अगले सवाल में क्या दिया है. मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा. अब क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000. 80,000 एवरेज प्रॉफिट है.
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, सिमिलर बिजनेस में 10% है. इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. इस बार इसने आपको गुडविल निकालने को नहीं बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोला. चलो जी, सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है. एवरेज प्रॉफिट 80, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, सबसे पहले एक काम करेंगे, गुडविल लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 4. ये गिवन है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. गुडविल 1 लाख है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000. सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया. ठीक है जी, अब हमें यह भी पता है कि सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी 25,000. प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना. सुपर को ओपन कर लिया मैंने, एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज आई गेस 80,000 गिवन है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट ईयर इज 80,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन है. नॉर्मल हमें नहीं पता, 25,000 हमारा सुपर था. तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, 80,000 माइनस ये इधर आके 25,000 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 80 माइनस 25, 55, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000. लो जी, ठीक हो गया. NRR कितना परसेंट गिवन है? 10%. NRR 10% गिवन है. तो कैपिटल इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000. ये जीरो से जीरो खत्म, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 55,000 इंटू 10, 5,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इस तरीके से आपसे सुपर प्रॉफिट के 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं. या तो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पूछ लेगा, या गुडविल. तो बेसिक आपको आता ही है निकालना कि गुडविल किस तरीके से वो पूछ सकता है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझा दिया बेटा जी, मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट का मतलब भी बता दिया, सुपर प्रॉफिट के 2 क्वेश्चंस भी करा दिए. साथ साथ हेडिंग डालेंगे बेटा जी, कैपिटलाइजेशन मेथड. अब देखो, आप लोग अभी तक जितने भी मेथड्स पढ़ के आए हो, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो सभी मेथड्स में प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता था. सभी मेथड्स पे किस पे ध्यान दिया जाता था? प्रॉफिट पे, कि कितना पैसा आप बना रहे हो, कितनी चीजें आप बना रहे हो. इस पर्टिकुलर मेथड में प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, इस पर्टिकुलर मेथड में कैपिटल से मतलब होता है. ये कैपिटल पे ध्यान देता है कि जैसे 2 फर्म्स हैं, ए और बी, 1 साल में इसने भी 1 लाख बनाया, 1 साल में इसने भी 1 लाख बनाया, लेकिन इसका 1 लाख बना 10 लाख लगा के, इसका 1 लाख बन गया 6 लाख लगा के. तो बहुत कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट बना लिया या नहीं बना लिया? तो बहुत कम पैसे में उतना ही प्रॉफिट कैसे बना लिया? ड्यू टू गुडविल. बात समझे? तो ये वाला जो मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, ये कैपिटल ओरिएंटेड है. ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटल निकालेंगे. क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की. तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब समझते हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि एक, दोनों का मतलब मैं अभी आपको लिखता हूं यहां पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चीजें पूरी कर दूं. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR.
और कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको निकालना आता ही है। या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लेना, या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है कैपिटलाइज्ड मेथड का। ठीक है, सही है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल सीधा सीधा निकलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको एकदम समझ में आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, आओ। क्या एग्जांपल है हमारे पास? सपोज करो कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 72,000 है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 72,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स जो हैं वो है 10 लाख, और लाइबिलिटीज जो हैं वो हैं हमारे पास 4 लाख। अब हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू? अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है 72,000, ये एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाती? ये प्रॉफिट एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाती? मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के कमाएगा। समझ रहे हो? वही सेम प्रॉफिट जो आपने कमाया है, सही है। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पे 72,000 हमने कमाए हैं, तो एक नॉर्मल फर्म कितने में कमाएगी? ये 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, यहां से कट करा 7,20,000 रुपीज एक नॉर्मल फर्म को चाहिए। एक नॉर्मल फर्म को कितना पैसा चाहिए? 7,20,000, 10% 72,000 कमाने के लिए। लेकिन आपने कितना लगाया हुआ था? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो गिवन नहीं है, तो फिर से कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 10 लाख माइनस 6 लाख आई गेस, और 4 लाख 4 लाख, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख रुपीज। तो देखो 72,000 कमाने के लिए किसी भी नॉर्मल फर्म को लगाने पड़ते 7,20,000 रुपीज, और आपके लगे सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीज। तो आपका कितना पैसा बचा आपकी गुडविल की वजह से? ये आपकी गुडविल है 1,20,000 रुपीज। दिस इज योर गुडविल, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। बात समझ आई? तो दो चीजें हमें चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो ये बताती है कि एक नॉर्मल फर्म कितना पैसा लगा के पैसा कमाएगा। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो नाम ही है कि आपने कितना पैसा लगाया। समझे? आओ एक क्वेश्चन और कराता हूं। मान लो एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%,
और आपके जो एसेट्स हैं वो हैं 10 लाख, और आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 9,50,000। चलो अब गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा देखो, लिखूंगा गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि एक नॉर्मल फर्म ये 10,000 कितने में कमाएगी, कितना पैसा लगा के कमाएगी। तो मैं लिखूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सीधा मुझे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR 10% का है, 0 से 0 ख़त्म हुआ, तो 1 लाख रुपए का कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, 10 लाख माइनस 9,50,000, 50,000। 50,000 का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, 50,000 का आपका गुडविल आ गया। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, सीधा सीधा चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, सही है जी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट से अगर करना हो, यही वाला क्वेश्चन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं यही वाला क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग छोटा करते हैं और कहीं ऊपर लेके चलते हैं। चल भाई ऊपर चल, चल भाई ऊपर चल, चल भाई ऊपर चल, आ जा यहाँ आ जा। लो जी, अब हमें गुडविल निकालना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, सीधा सीधा, ठीक है। मुझे अब सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, सही। एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट माइनस लाइबिलिटी, 10 माइनस 4 6 लाख। NRR कितना परसेंट है? 10%, 60,000 आ गया। तो जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया वो आया 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 12,000। इसको यहाँ रख दो, 12,000 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0 ख़त्म, 1,20,000 की गुडविल आ गई। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो अगर कभी भी गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। बस एवरेज प्रॉफिट में पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सुपर प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो कंप्लीट कर लिया चारों ही मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अभी हम बेसिकली सीखने वाले हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब चेंज आए, और वो चेंज किसके अंदर आए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो फिर एक बात करते हैं हम बड़े ध्यान से। सर वो क्या बात है? वो बात ये है कि एजम्पशन लो कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था।
दो पार्टनर्स थे, बराबर बराबर चीजें बांटते थे, 100 का प्रॉफिट होता था 50-50, 60 का प्रॉफिट होता था 30-30, 50 का प्रॉफिट होता था 25-25। अभी इन्होंने डिसाइड करा कि आज से हम रेशो चेंज करेंगे और जो रेशो होगा वो हो जाएगा 3:2, रेशो हो जाएगा 3:2। तो अगर एज्यूम करो कि इनको प्रॉफिट, जो कि मैंने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट गुडविल की वजह से होता है, प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज का, तो ये कैसे बांटते थे पहले 25:25। लेकिन अभी जब रेशो चेंज कर देंगे तो सपोज 50 का ही प्रॉफिट होगा क्योंकि काम तो दोनों कर रहे हैं, तो ए को 30 मिलेगा और बी को 20 मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि बी ने अपना एक 5 रुपए का हिस्सा किसको सेल कर दिया है, ए को सेल कर दिया है। देखो इसको पहले 25 हो रहा था ना प्रॉफिट, अब 20 हो रहा है, 5 कम हो गया या नहीं हो गया, यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये अपना हिस्सा किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, ए गेन कर रहा है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ अगर ए अब से प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो ए ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाएगा, क्योंकि उसने बी का हिस्सा एक्वायर कर लिया, उसने बी का भी कुछ पार्ट एक्वायर कर लिया। तो इस सिनेरियो में जब प्रॉफिट ए ज्यादा लेगा तो सिमिलर अमाउंट में ए क्या करता है, कंपनसेट करता है, क्योंकि ए को प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, कंपनसेट करेगा बी को किसके साथ, विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। वो बोलेगा हाँ ठीक है मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने आपका हिस्सा खरीदा है, तो गुडविल का भी तो सिमिलर हिस्सा आपसे मैंने बाय कर लिया, तभी तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो मैं आपको उसके लिए पे करूंगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेन और सेक्रीफाइस, सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप टू में क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा जिसको गेन हुआ है, जैसे ए को गेन हुआ, तो ए को गेन क्यों हुआ, क्योंकि ए ने बी का हिस्सा खरीदा है, तो जो ए है गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट, वो कंपनसेट करेगा टू द सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को वो कंपनसेट कर देगा। और स्टेप थ्री में एंट्री क्या होगी, अब देखो ए से पैसा ले रहे हो, ए से अगर पैसा ले रहे हो तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एंट्री, एंट्री लिखते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम यहां पर एंट्री कर देते हैं। तो तीन स्टेप आपको पकड़ने हैं, सबसे पहला कि गेन या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो, उसके बाद दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और तीसरे केस में आप सीधा एंट्री पास कर दो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही है। अब हम इस केस में वही अजम्पशन लेते हैं, सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करते कि हमारे पास जो ओल्ड रेशो था वो था 1:1 ए और बी का, और जो न्यू रेशो था वो था 3:2, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि ए को फायदा होने वाला है और बी को नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला एक जगह लिख के रखना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का और बी का ओल्ड रेशो इन दोनों का हाफ हाफ था, 1:2 1:2, और जो न्यू रेशो है वो है 3:2, यानी कि 3:5 2:5, एलसीएम ले लो, 5-6 5-4, माइनस का 1:10 ये गेन करेगा, 1:10 ये सेक्रीफाइस करेगा। सर पता कैसे चलता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे चेक करो,
पहले हमने ओल्ड रेशो लिखा हुआ है, फिर हमने न्यू रेशो लिखा हुआ है। तो पहले इसको 5 हिस्से मिलते थे, अब 6 मिलते हैं। बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? तो ये कर रहा है गेन। यहाँ पे इसको चेक करो, पहले इसको 5 हिस्से मिलते थे, अब 4, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आ गया निकालना। अब क्या करना है आपको? अब आपको देखना है कि अमाउंट ऑफ गुडविल कितना है। सपोज कर लो कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो आपने कैलकुलेट करा किसी भी मेथड से, एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन से, और वो 1,00,000 निकल के आया। आपने किसी भी मेथड से कैलकुलेट करा और अमाउंट ऑफ गुडविल निकल के आया 1,00,000। तो इस 1,00,000 रुपए का 1/10, क्योंकि 1/10 का ही गेन हुआ ना ए का, इसका मतलब ए ने 1/10 पार्ट खरीदा है। तो इस 1,00,000 रुपए का 1/10 ए कंपनसेट करेगा बी को। A will compensate this amount to B, तो एंट्री बनेगी A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर वैसे रटना हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो गेन करता है उसको डेबिट करना है। A का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 1,00,000 रुपए का 1/10 10,000 रुपीज से हम यहाँ गुडविल की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ द एंट्री इज पास्ड। एक एग्जाम्पल और लो सर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एज्यूम करो कि इस बार 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 1:1:1। न्यू रेशो अब बन गया 3:2:1। अब वीडियो को पॉज करो, ठीक है। जो गुडविल है, गुडविल फिर से आप 1,00,000 समझ लो गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म 1,00,000 गिवन है। अब आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे एक बार एंट्री बनाओ, उसके बाद दोबारा से प्ले करना कि क्या एंट्री बन रही है, ठीक है। पॉज करो और एंट्री बनाओ। तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए का, बी का और सी का, यह है 1/3, 1/3, 1/3, और जो न्यू रेशो है वो है 3/6, 2/6, 1/6। तो इस सिनेरियो में जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 6, 2-3, यहाँ पे भी 6, 2-2, यहाँ पे भी 6, 2-1। तो यहाँ पे हमारे पास 1/6 का गेन, ये निल हो गया, और ये 1/6 का सेक्रीफाइस है ना। फिर से यहाँ से देखो, पहले 2 अप 3 तो गेन, पहले 2 अप 2 0, पहले 2 अप 1 सेक्रीफाइस। आई बात समझ में? और एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कर रहा है ए और सेक्रीफाइस कर रहा है सी। बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इसने अपना हिस्सा दिया ना अपना हिस्सा लिया, तो इसको कोई भी पैसा गुडविल का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको फर्क ही नहीं पड़ा। इसने थोड़ी ना अपना शेयर बेचा सी ने, इसको नुकसान हुआ, तो अब कंपनसेशन भी तो इसी को मिलेगा ना। तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, टू सी का कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म थी 1,00,000, 1,00,000 का 1/6 पॉइंट्स में आ जाएगा ये 1,6,667, 1,6,667, ये एंट्री बन जाएगी हमारे पास गुडविल की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया। 3 चीज़ें पकड़ के चलना बस, कि सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, उसके बाद कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये पता होना चाहिए, फिर अमाउंट ऑफ गुडविल से डायरेक्टली एंट्री कर दो, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हेडिंग डाल देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सर इसका क्या मतलब होता है? रेशो चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिजर्व्स का भी ट्रीटमेंट होगा, कुछ ना कुछ पुराने बचे हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस का भी ट्रीटमेंट होगा। कैसे करना है सीखने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करो कि 2 ही पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका रेशो 1:1 था।
अभी नया रेशो इन्होंने चेंज करा, सपोज इन्होंने ये फर्म चलानी शुरू करी 2011 से, अभी 2022 में आके इन्होंने रेशो बदल दिया, ए रेशो बी 3:2 कर दिया, ठीक है। अब जब रेशो चेंज हुआ तो पुराने एसेट्स भी होंगे, पुरानी लाइबिलिटीज भी होंगी, पुराने कुछ सेविंग्स भी होंगे यानी रिजर्व भी होंगे, तो हमें पता चला कि हमारे पास एक जनरल रिजर्व है 1,00,000 रुपए का, जो दोनों ने मिलके बनाया था, दोनों ने मिलके बनाया था अपनी पुरानी रेशो में। इसका मतलब दोनों ने अपनी पुरानी रेशो में 1:1 बनाया होगा। अभी फिलहाल रेशो चेंज हो गया है, तो अब क्या ट्रीटमेंट करें हम इस जनरल रिजर्व का, या कोई पुराना प्रॉफिट बचा हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें? तो देखो, इसके हमारे पास दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके हमारे पास कितने ट्रीटमेंट्स होते हैं? दो। इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना सर। दो टॉपिक्स क्या होते हैं? पहला, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा और क्वेश्चन में आपको बस रिजर्व्स गिवन है, क्वेश्चन कुछ बता ही नहीं रहा। दूसरा, व्हेन द क्वेश्चन स्टेट्स टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जब आपको क्वेश्चन बोले कि आपको बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इसके अलावा कुछ और पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो इस केस में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को अमंग ओल्ड पार्टनर्स, याद रखना, इन ओल्ड रेशो। जितने भी आपके पास रिजर्व्स हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, उनको पुराने ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पुराने ही रेशो में, ठीक है। और अगर सिंगल एंट्री पास करनी हो तो इस सिनेरियो में आप डायरेक्टली एंट्री करोगे गेनिंग डेबिट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी रिजर्व्स के दो ट्रीटमेंट है, या तो क्वेश्चन कुछ बोलेगा ही नहीं आपको रिजर्व दे देगा, या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो आपको सिंपली रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो एक बात समझो, ए और बी ने जनरल रिजर्व बनाया 1,00,000 रुपीज का, जो कि अपनी पुरानी रेशियो में बनाया होगा। इसका मतलब ए ने दिए होंगे 50,000 और बी ने भी दिए होंगे 50,000, तभी तो 1,00,000 का रिजर्व बना होगा। अभी जब रेशो चेंज हो गया तो 1,00,000 का 3:2, यानी कि अगर आपने कुछ नहीं करा आज से 5-7 साल बाद, जब भी फर्म बंद होगा तो उस सिनेरियो में रिजर्व तो बटेगा, क्योंकि फर्म बंद होगा तो जो भी पैसा फर्म में पड़ा है वो घर लेके जाओगे, तो किस रेशो में बटेगा? तब रेशो एक ही है उस टाइम पे, 3:2। तो 3:2 के हिसाब से ए को मिलेगा 60,000, बी को मिलेगा 40,000। बी तो रोएगा भाई साहब, बी बोलेगा अरे मैंने लगाए थे 50,000, मुझे मिल रहे हैं 40,000, मेरे 10,000 खा गया ये। तो ए बोलेगा भाई साहब अगर इतना ही शौक था तो पहले जब रेशो चेंज हो रहा था तब क्यों नहीं बोले? तो समझदार इंसान क्या बोलता है? जब भी रेशो चेंज हो, तो ये बोला जाता है कि जब भी रेशो चेंज हो तो भाई साहब रिजर्व्स को घर ले जाओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को घर ले जाओ पुरानी रेशो में ही, क्योंकि आपने जिस रेशो में बनाया था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टेंशन फ्री रहोगे ना, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। तो उस सिनेरियो में एंट्री क्या होती है? उस सिनेरियो में एंट्री होती है रिजर्व्स डेबिट, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो एंट्री बनती है रिजर्व्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स को डेबिट करने का मतलब है कि रिजर्व कम करे जा रहे हैं, और कैपिटल्स को क्रेडिट करने का मतलब है कि कैपिटल बढ़ रहा है, रिजर्व खत्म हो रहे हैं और पैसा कैपिटल में मिल रहा है पार्टनर्स को, ठीक है। अगर लॉस हो सर, अच्छा इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है,
पी एंड एल का अगर कौन सा वाला बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, याद रखना, क्रेडिट बैलेंस का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट। तो पुराना कोई प्रॉफिट अगर रुका हुआ हो तो वो भी बांट दो ना, वो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। और अगर लॉस हो, इन केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉसेस होंगे तो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, तो उस केस में क्या एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्रेडिट करूं मैं, एक तो कोई लॉस, पी एंड एल का कौन सा वाला बैलेंस, डेबिट बैलेंस, अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लिखा हो तो समझ जाना लॉस है, ठीक है। और उसके अलावा कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऐसा कुछ दिया हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो, या फिर ऐसा लिखा हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ लिखा हो, तो इस सिनेरियो में पार्टनर को क्रेडिट करा जाता है। क्रेडिट क्यों करा जाता है, क्योंकि कैपिटल कम होते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, सॉरी, पार्टनर को डेबिट करा जाता है। डेबिट क्यों करा जाता है, क्योंकि कैपिटल्स कम होते हैं डेबिट में, ओके। और ये तो लॉसेस हैं हमारे, ये एंट्री बन जाती है। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, यानी एक सिंगल एंट्री करनी हो, तो इस तरीके का हमारे पास सिस्टम बनता है। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, एक ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया था, कि वर्कर्स को कोई पैसा प्रोवाइड करना पड़े, कोई प्रोवाइड करने पड़े, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएं, वो कुछ पैसा मांगने लगे, तो उस सिनेरियो में पैसा कहाँ से देगा फर्म एकदम से निकाल के। तो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। अब सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे, बराबर बराबर पार्टनर्स थे, 1:1, और उन्होंने एक WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ था 50,000 रुपीज का। अब एक जनरल ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया ही था कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट हो, तो उस सिनेरियो में हम WCR को स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, जैसे सबसे पहला केस, केस 1, नो क्लेम। सर नो क्लेम का क्या मतलब है, नो क्लेम का मतलब है कि वर्कर्स ने कुछ क्लेम ही नहीं करा, वर्कर्स आपसे कुछ क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा कोई क्लेम नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। जब हम रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री हो जाएगी 50,000, 25,000, 25,000 में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा केस क्या बनता है, केस 2, क्लेम आ गया सपोज 20,000 रुपीज का, यानी कि हमने 50,000 का रिजर्व बनाया था जिसमें से 20,000 रुपए क्लेम कर रहे हैं वर्कर्स, तब भी 30 का बच जाएगा आपके पास रिजर्व। तो क्या एंट्री बनती है इस केस में, WCR डेबिट 50, जो वर्कर्स को देना है उसको बोलो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहां ट्रांसफर कर दो प्रोविजन में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 20,000, और अभी 30 बचा, 30 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस नाम से आएगा, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। 30,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 15,000 और 15,000। तीसरा केस क्या आता है सर, थर्ड केस क्या आता है, देखो केस 3, क्लेम आ गया इस बार पूरा 50,000 रुपीज का, 50 का ही रिजर्व था और 50 का ही क्लेम कर लिया वर्कर्स ने, यानी पार्टनर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना इस बार, तो अब क्या एंट्री होगी, अब एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना, 50,000, 50,000, पार्टनर को घर ले जाने के लिए कोई पैसा नहीं है, सारा का सारा वर्कर्स को ही ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट क्या आता है, केस 4, क्लेम आ गया 60,000 रुपीज का, दिस इज अ सावधान इंडिया केस, सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है सर, क्लेम आया है 60,000 रुपए का। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है आपके पास, जबकि जो कंपनसेशन क्लेम वर्कर मांग रहे हैं वो 60 मांग रहे हैं, क्या 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, हमारे पास 50,000 का रिजर्व है,
वर्कर मांग रहा है 60, सर अब क्या करें? देखो WCR डेबिट रिजर्व तो मेरे पास 50 ही है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये 60, 10,000 रुपये और चाहिए हमें डेबिट में, क्योंकि देना 60 है और अवेलेबल 50 है, तो जो 10,000 और चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे। हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कभी भी बेटा जी याद रखेंगे आपके रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम है तो जो भी डिफरेंस है उसको आप रीवैल्यूएशन से ओपन अप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है सर, इस पैसे का क्या करें, ये पैसा कौन देगा बेसिकली, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा ये पैसा कौन देगा? देखो जब रिजर्व एक्स्ट्रा था तो पार्टनर्स पैसा घर लेके जा रहे थे, अभी ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो घर से लेके आएंगे। जब अभी तक पार्टनर्स को पैसा मिल रहा था तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे थे, अभी तक पैसा मिल रहा था तो ये क्रेडिट देखो, लेकिन इस बार घर से लाना पड़ेगा तो पार्टनर्स डेबिट होंगे। इस बार क्या होगा, इस बार होगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने ओपन करा है इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन कितना 10,000, अपनी रेशो में 5,000 वो लेके आ जाएंगे, 5,000 5,000। तो एंट्री क्या बनी, WCR डेबिट, इस केस में दो एंट्रीज बनेंगी, जितने पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत है रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एंड ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जितना ओपन करा उतना ही क्लोज कर। सॉर्टेड, दिस इज हाउ चीजें वर्क करती हैं, दिस इज हाउ आप काम करते हो जब एक्स्ट्रा जरूरत होती हो, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ये चार केसेस बनते हैं, एक जगह करूँ तो बहुत छोटा हो जाएगा, बट शायद आपको कुछ स्क्रीनशॉट में हेल्पफुल हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। लो जी, अब मेरे साथ हेडिंग डालो, अब हम दूसरा रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा रिजर्व कौन सा है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये क्या है, नाम में लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, तो बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट है, लेकिन कम होगी तो नुकसान है, उस नुकसान को झेलने के लिए जो रिजर्व बनाएंगे उसको बोलेंगे IFR। सेम केस ले लेता हूं, 50,000 का IFR बनाया और इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, सपोज मेरी 5,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। याद रखना इन्वेस्टमेंट से आपको मतलब नहीं है, आपको रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सही। अब इसमें कितने केसेस बनते हैं, केस वन, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आज हो गया है 4,70,000, या रखो आज सेम ही है, अभी इन्वेस्टमेंट 5,00,000 ही है, आपने 5,00,000 इन्वेस्ट करा था, आज भी 5,00,000 ही है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले सिंपली जैसे करते हैं, तो क्या बनेगा, IFR डेबिट, प्लीज फुल फॉर्म यूज कर लेना, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, ये वाला रिजर्व 50,000 का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 25,000 एंड 25,000, IFR डेबिट टू ए टू बी, सॉर्टेड। दूसरा केस क्या बनता है सर, दूसरा केस बनता है केस नंबर टू, अगर इन्वेस्टमेंट आज हो जाए 4,70,000 की। अब देखो आपने पैसा कितना लगाया था, आपने लगाया था 5,00,000, आज कितना वैल्यू हो गया 470, कितना लॉस हो रहा है, 30,000 का लॉस हो रहा है, इसी लॉस को झेलने के लिए ये रिजर्व बनाया हुआ है। भाई 5,00,000 इन्वेस्ट करें हैं, आज मेरा वो शेयर डाउन हो गया 470 पे आ गया, मेरा 30 का लॉस हो रहा है, उसी के लिए तो ये बनाया है, तो क्या करेंगे, IFR डेबिट पूरा 50 टू इन्वेस्टमेंट्स, जितना वैल्यू कम हुआ, कितना वैल्यू कम हुआ, 30,000 का लॉस हुआ मुझे, और बाकी पार्टनर घर ले जाएगा, ए और बी अपने अपने घर ले जाएंगे इक्वल रेशो में, क्योंकि उनका रेशो बराबर बराबर था, 50 में से 30 यहाँ यूज हो गया, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद सर केस नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट का आज का वैल्यू आ गया सर 450, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था 5,00,000, आज का वैल्यू आ गया 450, कितना नुकसान हो रहा है, 50,000 का नुकसान हो रहा है,
तो अब क्या करेंगे सर, रिजर्व कितना था? IFR डेबिट 50 टू इन्वेस्टमेंट 50। लो जी, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर के लिए घर ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं इस बार। नेक्स्ट केस क्या होता है बच्चों? केस नंबर 4। केस 4 होता है बेटा जी, 4,20,000 हो गया, इन्वेस्ट किया था 5,00,000, हो गया 4,20,000, 80,000 का लॉस हो रहा है, लॉस इज ऑफ 80,000। तो हम क्या करेंगे, हम IFR डेबिट 50 टू इन्वेस्टमेंट, लॉस कितना हुआ 80। अब देखो 80 में से रिजर्व से सिर्फ 50 ही यूज हो पाया, कितना बचा और 30,000 बचा। 30,000 को किस नाम से डेबिट करोगे यहाँ पे? रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन आपको पता है, अभी मैंने पहले भी सिखाया, ओपन हुआ है, डेबिट हुआ है, तो अगली ही एंट्री में क्रेडिट होगा, अगली ही एंट्री में ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। टू रीवैल्यूएशन 30,000, और 15,000 ए लेके आएगा घर से, 15,000 बी लेके आएगा। तो यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन, डन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, लास्ट केस, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से देखना, वो ये पैसा कम रह गया तो रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लास्ट केस बनाता हूँ मैं यहीं की यहीं, केस नंबर 5। इन्वेस्टमेंट आपका 5,40,000 हो गया, अरे वाह, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ भी तो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो पहले तो जो रिजर्व है वो बांट लो, पूरा का पूरा घर ले जाओ। IFR डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, 50,000 का रिजर्व था आपके पास, 25,000 पहले तो रिजर्व घर ले जाओ। उसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट कब होता है? जब लॉस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, फायदा होगा तो क्रेडिट होगा, समझे? और एसेट बढ़ता है डेबिट में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कभी भी कम हो या ज्यादा हो रीवैल्यूएशन की नीड पड़ेगी। कितना है रीवैल्यूएशन? 40,000 एक्स्ट्रा है ना। और रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है, ओपन करा अगले में ही क्लोज करो। रीवैल्यूएशन डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, यानी पार्टनर को ये पैसा भी घर लेके जाना है। 40,000 घर लेके जाएंगे, 20,000 लो जी। यहां एक रिजर्व बांटने की, दो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की, तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट घर ले जाने की, तीन एंट्रीज आपके पास यहां पे बन जाती हैं। तो दिस इज हाउ ये सारा काम होता है। आओ जी अब टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व्स में मैंने आपको स्पेशल रिजर्व्स भी कराए, जैसे WCR, IFR, बट आज हम एक जनरल ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चाहे 500 क्वेश्चन आ जाए तुम सारे कर जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तुम्हारे से 5 क्वेश्चन भी नहीं होने वाले। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और प्रैक्टिस आपको साथ साथ करके चलनी ही है। और इस वीक के एंड में इस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरा चैप्टर आ रहा होगा, जहाँ तक मैंने कराया है। टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, प्रीवियस टेस्ट के सॉल्यूशंस भी मैं आपको इस वीक के एंड तक, संडे तक देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? आइए जल्दी से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 1:1 था, सही? इन्होंने एक जनरल रिजर्व बनाया, एक जनरल रिजर्व बना लिया, लेट सपोज 1,00,000 रुपीज का, और अब इनका रेशो जो है वो चेंज हो रहा है, और रेशो हो रहा है 3:2, ठीक है? रेशो चेंज हो रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर हम देखें यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं, रेशो जब चेंज हो रहा है तो दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि ए और बी ने जब पैसा लगाया होगा तो 50,000 लगाए होंगे, 50,000। अगर इसका इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा आज, तो जब भी फर्म बंद होगी तो रिजर्व 3:2 में जाएगा। अगर 3:2 में जाएगा तो ए को मिलेंगे 60,000 और बी को मिलेंगे 40,000। तो ए तो बाबा खुश हो जाएगा कि वाह मज़ा आ गया, 10,000 फालतू मिल रहे हैं, लगाए 50 थे मिले 60। बी रोएगा बैठ के
बी तो बहुत ही रोएगा कि ओ हो, बड़ा नुकसान हो गया मेरा, मैं मारा गया, लगाए 50 थे मिले 40, इसका मतलब ए को गेन हो रहा था और बी को सेक्रीफाइस हो रहा था, है ना। तो ऐसा ना हो कि ये बहुत खुश और ये बहुत निराश, बेचारा रोए, ऐसा ना हो। तो इसको रोने से रोकने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हम क्या एंट्री कर देते थे, हम एंट्री करते थे जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, पूरा लिखना प्लीज, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व आपके पास पूरा 1,00,000 रुपए का, दोनों को 50-50,000 मिलेगा, जितना जितना इन्होंने लगाया हुआ है। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में काम होगा, तो ये भी हंसेगा और ये भी हंसेगा, ये रोने धोने वाला काम नहीं है, क्योंकि नए से कोई मतलब नहीं है, है ना। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि जनरली सभी रिजर्व्स को हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर नया क्या है, नया टॉपिक ये है बेटा जी कि ए ने लगाए थे 50,000, बी ने भी लगाए थे 50,000, ठीक है, ए ने मिलेंगे 60,000 और बी को मिलेंगे 40,000, अगर न्यू रेशो के हिसाब से देखें। तो एक तो तरीका था कि ये बांट लो। अगर मैं एक और ट्रीटमेंट पे जाऊं, तो हम अपने रिजर्व्स को बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि रिजर्व्स हमारे खत्म हो जाएं, हम ये नहीं चाहते कि हम रिजर्व घर लेके जाएं, क्योंकि एक बार फर्म से रिजर्व खत्म हो गया तो यार खत्म हो गया। ये एक 500 के नोट के जैसा है कि जब तक वो 500 है तब तक तो खर्च नहीं होगा, लेकिन आप उस 500 में से 20 रुपए का सामान ले लो, जब आपकी पॉकेट में वो 480 आए ना चेंज, वो सारे खत्म होते चले जाएंगे। देखो ऐसा होता है या नहीं होता है कमेंट में बताना मुझे जरूर। जब तक वो नोट 500 है ना तब तक वो बचा रहेगा, बट जैसे ही वो चेंज आपकी पॉकेट में आया तो उसका नेचर है कि वो खर्च 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 होता चला जाएगा और सारी चीजें खत्म, राइट। अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, यहाँ पे अगर रिजर्व बांट दिया तो सर दोबारा पता नहीं कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, मैंने बोला कि भाई साहब ए को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है फ्यूचर में, इस 1,00,000 को ऐसे ही रहने दो। ए को 60,000 मिल रहा है ना, लगाया कितना था इसने 50, इसको मिल कितना रहा है 60, तो अगर मैं इससे 10,000 अभी ले लूँ, क्योंकि फ्यूचर में इसको 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो मैं 10,000 इससे अभी ले लूँ और बी को दे दूँ ये 10,000, क्योंकि इसको फ्यूचर में 10,000 कम मिल रहे हैं, तो अगर इसको 10,000 अभी मिल जाएंगे, फ्यूचर में 40 मिल जाएंगे, तो इसके 50 पूरे हो गए। इससे हमने 10 ले लिए, 60 इसको मिल जाएंगे तो इसके पास 50 ही जाएंगे, तो सेटलमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कि जितना भी एक पार्टनर गेन कर रहा है उतना वो कंपनसेट कर दे उस पार्टनर को जिसको नुकसान हो रहा था रेशो बदलने से। तो एक तो हमारा 1,00,000 का रिजर्व वहीं का वहीं रहा, हमारा रिजर्व बच गया पूरा का पूरा, और इसको भी रोना नहीं पड़ेगा, ये भी खुश है, या ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस सिनेरियो में क्या बोलते हैं, जब रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना होना हो, तो अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम लोग वी विल मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे होंगे, ना कि हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे होंगे। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट कर दो कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के बाद आप सीधा सीधा क्या करो, एंट्री करो गेनिंग डेबिट, जितना भी उसने गेन करा उससे ले लो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करो, सही है या नहीं है। अब इसको सर करें कैसे, देखो ए रेशो बी 1:1 था, आपने नया रेशो ए रेशो बी का डिसाइड करा 3:2, तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे तो ए और बी 1/2 1/2
न्यू रेशो 3/5 2/5 एलसीएम ले लो 10 ठीक है 5-6 और यहाँ पे 5-4 तो माइनस का 1/10 का गेन 1/10 का सेक्रीफाइस ठीक है एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस जो गेन कर रहा है उससे पैसा ले लो तो आप कहोगे ए गेन कर रहा है तो हम बोलेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट 1,00,000 का रिजर्व था 1,00,000 इनटू 1/10 देखो 1/10 निकल गया है ना यानी 10,000 रुपये ए देगा किसको बी को देखो आ गया नहीं आ गया हमारे पास सिस्टम तो दिस इज हाउ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री सेम गुडविल के जैसा होता है जैसा गुडविल का सिखाया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को ये एंट्री समझ में आ गई होगी और रिजर्व वाला टॉपिक आपका पैक हो जाता है बस दो चीज़ें याद रखना एक बार रिजर्व बांटना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो बांटना है कुछ इफ एंड बट नहीं है बट अगर साइलेंट ना हुआ क्वेश्चन बोले कि रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या पार्टनर डिसाइडेड दैट रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो फिर ऐसे एंट्री पास करनी है ओके अब आओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है देखो हम लोग क्या करते हैं जब भी रेशो चेंज होगा वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या जब भी एडमिशन हो जब भी रिटायरमेंट हो यानी जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एक नया एग्रीमेंट बनेगा कोई भी चेंजेस होंगे फर्म के बिहेवियर में तो उस सिनेरियो में हम अपने एसेट्स की आज की वैल्यू चेक करते हैं सपोज आज से 10 साल पहले एग्रीमेंट बना था आज से 10 साल पहले रेशो डिसाइड हुआ था तब लैंड 1,00,000 की थी क्या वो आज भी 1,00,000 की होगी आज नहीं होगी ना 1,00,000 की बढ़ गई होगी तो हम लोग हर एसेट और लाइबिलिटी का आज का वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि अब रेशो चेंज हो रहा है तो आज तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको तो पुराने ही रेशो में एडजस्ट कर दो ना रेशो तो आज से चेंज हो रहा है 10 साल पहले थोड़ी ना चेंज हुआ था तो हम क्या करते हैं हम आज के वैल्यू पे लेके आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को और उनसे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुराने रेशो में ही तो आज तक का हिसाब हो जाता है इसके बाद जो भी होगा वो न्यू रेशो में होगा है ना तो रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली डिफरेंस आता है एसेट्स का प्रीवियस वैल्यू में और आज की वैल्यू में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पहले लैंड 1,00,000 की थी आज 1,20,000 की हो गई तो 20,000 का फायदा हो गया रीवैल्यूएशन में लिखो कि कितनी रीवैल्यू हुई पहले क्रेडिटर 1,00,000 का था आज 80,000 हो गया तो कितना रीवैल्यू हुआ लिखो इसके अंदर समझ रहे हो तो रीवैल्यूएशन में ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे क्रेडिट में सभी इनकम्स एंड गेन्स होंगे अब सोचो फायदा कब होगा फायदा इधर लिखना है क्रेडिट में तो फायदा होगा सर अगर एसेट बढ़े एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा ना या लाइबिलिटी कम हो जाए लाइबिलिटी कम होगा तो भी फायदा होगा या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो सर अनरिकॉर्डेड मतलब पहले बुक्स में नहीं था अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक तरीके से एसेट ही बढ़ रहा है ना तो एसेट बढ़े तो फायदा होता है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखो लाइबिलिटी कम हो तो फायदा होता है इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखो अनरिकॉर्डेड एसेट पहले एसेट नहीं था अब है रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखो ठीक है अब डेबिट में क्या आएगा सर डेबिट में लॉसेज आएंगे लॉस कब कब होगा सबसे पहले अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो एसेट का वैल्यू कम होगा तो नुकसान या लाइबिलिटी बढ़ रहा हो तो भी नुकसान या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी इधर आ जाएगी तो हमारे पास इधर जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स याद रखना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो और अगर डिफरेंस इधर आ जाए इस साइड डिफरेंस आ जाए तो उसको लॉस बोलेंगे वो भी सेम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में तो अगर डिफरेंस इधर आता है बैलेंस इधर आता है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे बैलेंस इधर आता है तो हम उसको लॉस बोलेंगे बैलेंस बैलेंसिंग फिगर हमेशा की तरह डेबिट में प्रॉफिट क्रेडिट में लॉस ठीक है जी सर ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बस यही है बेटा जी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है
तो हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का, इसको आज की वैल्यू से कंपेयर करते हैं और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये मैंने आपको दिखा दी, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता क्या है, तो आपने जितने भी अभी अलग 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 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स, अगर एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट्स लॉसेस पड़े हैं उनका क्या करना है, उसके साथ साथ आपने पढ़ा रीवैल्यूएशन, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो 6 मार्क में पूछ लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को जिस तरीके से आपके पास आएगा, एक बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, बैलेंस शीट के बाद आपको बोलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो हमें तीनों ही बना के चलने हैं, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। आओ जी, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कि ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना ऊपर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले फॉर्मेट्स बना लोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। और हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन हैं, पार्टनर्स हैं अशोक, भीम और चेतन। तो अशोक, भीम, चेतन, पर्टिकुलर्स अशोक, भीम, चेतन, ठीक है। ये एबीसी का मतलब अशोक, भीम, चेतन ही है। ये हमने बना दिए कैपिटल अकाउंट्स, और यहाँ पे हमने ले लिया रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। अब बड़ा क्वेश्चन शुरू करते टाइम सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से किसी का क्या बैलेंस अवेलेबल है, क्या रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस होता है, नहीं, क्या बैलेंस शीट का कोई बैलेंस होता है, नहीं, क्या कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं, यस, कैपिटल के बैलेंसेज आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, उनको हम यहाँ ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपको बैलेंस मिलेंगे, देखो इस बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा था अशोक, भीम, चेतन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च इज एट फॉलोज, ये बैलेंस शीट है। अशोक, भीम, चेतन ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटेंगे, यानी रेशियो चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस देख लेते हैं, ये दिए हैं अशोक का, भीम का, चेतन का, 2,01,50,000, 2,01,50,000, 2,01,50,000 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में सिखाया है सबसे पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद सर क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बैलेंस लिख लिया, उसके बाद बैलेंस शीट में देखो क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई रिजर्व, कोई P&L, कोई ऐसा बैलेंस तो नहीं है। दूसरा स्टेप ये होता है, यहाँ पे ढूंढो क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आपको दिखाई दे रहा है। देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी रिजर्व हो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही सीख के आए हो कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो ये जनरल रिजर्व 60,000 ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग उसकी एंट्री क्या करते हैं, अगर आपको एंट्री करनी हो तो आप एंट्री सीख के आए हो, जनरल रिजर्व डेबिट टू अशोक, टू भीम, टू चेतन, ठीक है ना, 60,000 और ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में घर लेके जाएंगे 30,000, 20,000, 10,000, 3:1 में। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 30,000, 20,000, 10,000, हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो पार्टनर्स क्रेडिट हुए ना, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट हो गए पार्टनर्स। अच्छा, उसके बाद सर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो यही था, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
बाकी अब हम एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। तो पहला स्टेप बैलेंसेस लिखना, ये माइंड में सेट रखना, पहला स्टेप बैलेंस लिखना। दूसरा स्टेप अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो कर दो। तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट्स देखो। एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। इसने गुडविल आपको कैलकुलेट करके दी हुई है 3 लाख की। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट आपने सीखा है कि हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी और वो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गुडविल के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। पुराना रेशो 3:1, न्यू रेशो इक्वल। चलो आओ कोशिश करते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये पूरा बना के आना प्रॉपरली, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। किस किस का सर? सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अशोक का, भीम का और चेतन का। अशोक, भीम, चेतन। ओल्ड रेशो वॉज 3:2:1, तीनों का सम 6, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो इज इक्वल 1/3, 1/3, 1/3, 1:1:1, बराबर बराबर आ गया। ठीक है, एलसीएम 6, 3 - 2, 2 - 2, 1 - 2, 1/6, ये निल हो गया और ये माइनस का 1/6। अब आपने क्या सीखा है, यहां पे चेक करो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 3, new 2, तो ये सेक्रीफाइस कर गया। ओल्ड भी 2, न्यू भी 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पुराना 1, नया 2, ये गेन कर गया है ना। तो एंट्री क्या जानी है आपने, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनेगी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, 2 अशोक, चेतन डेबिट 2 अशोक। ठीक है, 3 लाख रुपए की गुडविल है, 3 लाख रुपीज क्वेश्चन में गिवन थी, नहीं थी हमसे, वो कैलकुलेट भी करवा सकता था, इंटू 1/6 ये वाला हिस्सा। ₹50,000 की गुडविल की एंट्री आ जाएगी। सर इसकी पोस्टिंग बिल्कुल करेंगे, चेतन के डेबिट में, अशोक के क्रेडिट में। देखो, चेतन के डेबिट में, अशोक के क्रेडिट में। तो चेतन के तो डेबिट में, चेतन के डेबिट में, अशोक के क्रेडिट में, अशोक के क्रेडिट में। अशोक के कहां से आया ये पैसा? चेतन से। चेतन से कहां गया ये पैसा? अशोक के पास। तो चेतन के डेबिट में लिख दिया, अशोक के क्रेडिट में लिख दिया, सिंपल लेजर पोस्टिंग। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आता तो बस बेसिक सा कैलकुलेशन करके, चेतन का डेबिट, अशोक का क्रेडिट, नाम सामने वाला, चेतन के डेबिट में, अशोक के क्रेडिट में, नाम सामने वाला लिखा है। ठीक है, गुडविल सॉर्टेड। चलो गुडविल का काम हो गया सर। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड टू बी रिवैल्यूड एट 160। लैंड थी 1 लाख की, अब इसको 160 कर दो। ठीक है, 1 लाख से 160 कर दो, तो जो नया बैलेंस शीट में अब लैंड आएगा वो आएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, कितना वैल्यू बढ़ गया सर? 60,000 बढ़ गया। 60,000 बढ़ने से फायदा हुआ पार्टनर्स को, प्रॉफिट में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड कितना बढ़ा? 60,000 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ओके, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होनी थी। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग भी 1 लाख की है, लेकिन ये डेप्रिशिएट होनी है 6% से। ओके, बिल्डिंग 1 लाख की है, बिल्डिंग 1 लाख की है, डेप्रिशिएट होगी 6% से, यानी 6,000 से, तो वैल्यू आएगा 94,000। ये वैल्यू कम हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो एसेट का नुकसान हो रहा है टू बिल्डिंग। ये आ गया 6,000, ये बिल्डिंग का वैल्यू 6% से रिड्यूस हो गया। चलो जी, उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। कुछ क्रेडिटर्स हैं 12,000 रुपए के जो अब पैसा नहीं मांगेंगे, तो उनको राइट ऑफ कर दो, 12,000 के हटा दो बुक्स में से। क्रेडिटर्स जिनका मुझे पैसा देना है
अब वो 12,000 वाले पैसा नहीं मांगेंगे तो हटाओ, क्रेडिटर टोटल कितने के थे, 1,00,000 के थे, 12,000 के अगर पैसा नहीं मांगेंगे तो अब कितने रह जाएंगे क्रेडिटर्स, 1,00,000 में से 12,000 हटा दो तो 88,000 के रह जाएंगे क्योंकि वो पैसा नहीं मांगने वाले, तो फायदा हो गया यार, लाइबिलिटी मेरे से पैसा मांग ही नहीं रही, तो उसको यही लिखेंगे बाय क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो रही है 12,000। लो जी, क्या सर सभी एडजस्टमेंट हमने कर दी, पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया, बैलेंस ले गए थे, रिजर्व्स बांट दिया था, तीनों एडजस्टमेंट कर दी, सॉर्टेड हो गया बिल्कुल। अब क्या करना है सर, तीन स्टेप्स में मैंने आपको चीज़ें सिखाई, सबसे पहले बैलेंस लिखा, बैलेंस लिखने के बाद अगर कोई रिजर्व है, कोई P&L का बैलेंस है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, वो कर दिया, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स करी, ठीक है। अब क्या करना है सर, चौथा स्टेप है, इसको आप फाइनल करना शुरू करो कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में मुझे दिख रहा है 72,000 में से 6 अगर हम हटा दें तो 66,000 का प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट। सर ये जो प्रॉफिट आया है कौन से पार्टनर्स में बढ़ता है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, याद रखना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 3:1, तो 33,000, 22,000, 11,000, ये आपके पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनर्स को मिलेगा ना, तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा बाय रीवैल्यूएशन 33,000, 22,000, 11,000। चलो जी, अब हम बैलेंस निकालते हैं कैपिटल में, कितना कितना बैलेंस इनके कैपिटल में आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। देखो भाई अशोक ने 2,00,000 तो कैपिटल के लगाए हुए थे, रिजर्व मिला 30 का 230 हो गया, चेतन से गुडविल का पैसा आया 280 हो गया, 280 3,13,000 हो गया, 3,13,000 तो अशोक के पास हो गया। एक बार वेरीफाई कर लूं फिर से, ठीक है, 3,13,000 रुपीज ये हमारे पास अशोक के पास हो गया। बात करते हैं भीम की, भीम के 1,00,000 तो बैलेंस था, 20 को रिजर्व का मिला, 120 रिवैल्यूएशन का 22, तो 142 इधर कुछ नहीं है तो इसका बैलेंस भी 142 आ जाएगा, इधर जीरो है ना तो बस बैलेंस निकाल रहा हूँ 142। चेतन की बात करें तो 50 का कैपिटल था, 10 रिजर्व के मिले 60, 11 रिवैल्यूएशन के मिले 71,000, 71 माइनस 50 21,000 इसका बैलेंस आ गया, ठीक है जी। अब ये जो बैलेंसेज हैं ये हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे कि आज इनका कैपिटल ये है, फाइनल कैपिटल इनका ये है, तो यहाँ पे लिखता हूँ अशोक का कैपिटल, अशोक्स कैपिटल, ऐसे ही पूरा लिखना, बी का कैपिटल यानी भीम का, ऐसे ही चेतन का कैपिटल, ठीक है, ये इधर ले आओ, 3,13,000 अशोक, 1,42,000 भीम, 21,000 चेतन। अब जो चीज़ें एज इट इज़ पोस्ट करनी है वो एज इट इज़ पोस्ट कर दो सर, एज इट इज़ मतलब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब जो वैसे के वैसे हैं, ठीक है। देखो लैंड और बिल्डिंग पे फर्क पड़ा था, बाकी प्लांट स्टॉक डेटर बैंक एज इट इज, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक एज इट इज, प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक, ये ऐसे के ऐसे आएंगे, 2,80,000 कितना कितना था, 2,80,60,10, 2,80,60,10, ये एसेट साइड का टोटल हो गया हमारे पास। अब लाइबिलिटी साइड में हमने क्रेडिटर लिखा है अभी तक बस, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल आ चुका है, बिल्स पेबल 40,000, बस ये रह गया हमारे पास बीपी 40,000, बीपी 40,000, ठीक है। बस अब आपको बैलेंस शीट टैली करना है, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, मिलाने की कोशिश करते हैं, 160,94, 2,80,000, 60,000, 10,000,
इधर आ रहा है 6,04,000। अब इधर अगर देखें 88,000, 40,000, 3,13,000, 1,42,000, 21,000, 6,04,000। इस तरीके से आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टेप्स याद रखना बच्चे। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप बैलेंसेस लिख लो, बैलेंसेस सिर्फ कैपिटल के आएंगे। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर एडजस्टमेंट्स करो, साथ साथ आप पोस्टिंग करते चलो, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। कुछ बच्चे इसको अलग अलग बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं फिर ये बनाते हैं फिर ये बनाते हैं, तो चीज़ें मिस होने के चांसेस हैं। ऐसी गलती मत करना, एक साथ बना के चलना, चीज़ें छूटेंगी नहीं और क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्शन के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से, व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट ऑल्टर्ड वैल्यूज और रिवाइज्ड वैल्यूज। देखो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो हमने आज सीखना है। अभी आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, जब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पिछली वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,00,000 की है, अब बोला गया 10% से डेप्रिशिएट हो गई, तो आप नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग 90,000 की दिखाते हो, 10,000 रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन दिखाते हो कि हाँ वैल्यू कम हो गया। बट अब क्या यहाँ पे आ रहा है, अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज Not to be recorded at altered values. हम altered values पे record नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है, it means assets and liabilities will be shown at the same value. Assets और liabilities किस पे दिखाई जाएंगी? सेम वैल्यू पे दिखाई जाएंगी जो पीछे आप देख पा रहे थे, मतलब जितना पुराने बैलेंस शीट में था उतने ही आज की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो सर उसके चेंज को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे क्या? उसका जो चेंज हुआ है, जैसे अगर मेरी बिल्डिंग 1,00,000 से 1,50,000 हुई है, तो क्या हम वो 50,000 कहीं शो ही नहीं करेंगे? हम शो करेंगे। हम क्या करेंगे, रादर देन मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, वी विल ओनली फॉर्म और पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। हम सिर्फ क्या पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, यानी कि हम ये तो चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन होने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी कि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, और अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो लॉस कितना हुआ। उसके बाद एक नेट फिगर निकाल लेंगे, ठीक है, एक नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा, एक नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, उससे हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द रिवाइज्ड वैल्यूज, या फिर दे डू नॉट वॉन्ट टू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन ऑल्टर्ड वैल्यूज, या फिर द पार्टनर डिसाइडेड टू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन देयर ओल्ड वैल्यूज, ऐसा कुछ लिखा आ जाए कि पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो पे याद रखना हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेंगे जिसमें हम ये देख लेंगे कि प्रॉफिट कितना, लॉस कितना और नेट वैल्यू कितना आया। जो नेट वैल्यू आएगा उससे बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हम कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है याद रखना, अगर नई वैल्यू पे एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं दिखाने तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, जिसको क्या बोलते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
ठीक है, ये मैंने सारा आपको नोट करवा दिया। पहला हेडिंग क्या बनेगा, इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन एट द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कौन सी है, सेम ओल्ड वैल्यू। उसके बाद रादर देन मेकिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के, वी विल ओनली पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हम लोग करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है पूरा। फ्रॉम 1st April पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:3, पुराना रेशियो 2:1, नया 1:3 रेशियो चेंज हो रही है। फॉर दिस पर्पज कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज पास करो, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। पार्टनर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, यानी जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी पुरानी वैल्यूज पे चलेंगे। तो इस सिनेरियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, और वहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और फिर सीधा सीधा हम लोग उसको नेट एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कैसे होगा आओ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो हमें बनाना ही है, तो हम एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए बी सी और एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट है हमारे पास, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा बैलेंस शीट है, और हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि वैल्यू कितना चेंज हो रहा है एसेट्स में और लाइबिलिटीज में, ठीक है, वो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना लेता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लो, कैपिटल का बैलेंस ए बी सी का कितना है, 50,000, 60,000, 70,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 60, 70। ये हमारा 50, 60, 70 हमने वैल्यू लिख लिया कैपिटल का, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जनरल रिजर्व होगा बस, 50, 60, 70 जनरल रिजर्व था, 50,000 2:1 में बांट देते हैं, 20,000, 20,000, 10,000 20, 20, 10 बाय जनरल रिजर्व 20,000, 20,000, 10,000 ये हम बांट देते हैं। उसके बाद सर अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले फ्रॉम 1st April 2019 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 1:3 2:1, 1:3 पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, 2:1, 1:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2:1, 1:3 ए का बी का सी का 2:5, 2:5, 1:5, 1:6, 2:6, 3:6 12 में से 5 7/30, 2/30, 9/30 ये गेन है, ये दोनों सैक्रिफाइस हैं, तो एक ही पार्टनर गेन कर रहा है यानी कि सी, बाकी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो एंट्री बनेगी चाहे वो गुडविल की हो और चाहे वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यू होने की हो, दोनों की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है या नहीं करनी है, है ना। तो दो एंट्री करने के बजाय एक ही एंट्री कर दूंगा, क्योंकि गुडविल की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है और जब रिवैल्यूएशन नहीं बनना होता तब भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, तो गेन कर रहा है एक पार्टनर सी,
तो एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। ठीक है जी, सी का कैपिटल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया। ये बेसिकली 9/30 है, ये 2/30 है, नहीं 7/30 है और ये 2/30 है। फाइनल अमाउंट अभी देख लेंगे, फिलहाल हमने ये निकाल के छोड़ दिया। चलो उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का भी कर लेते हैं। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 1 लाख, लैंड की वैल्यू 1 लाख कर दो। लैंड है कितने का, 85 का, तो 15,000 से बढ़ेगा, 15,000 से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बट यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला था, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिखानी, यानी न्यू बैलेंस शीट में लैंड 85 ही रहेगा, 15,000 जो बड़ा है उससे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करो, रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिखानी, तो लैंड 85 ही रहेगा, बस 15,000 का प्रॉफिट लिखूंगा मैं यहां पर। जो मेरे पास लैंड की वैल्यू आएगी वो 85 ही आएगी, बस मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन लैंड। लैंड कितना बड़ा, 15,000, तो मुझे ये प्रॉफिट हो गया। यहां पे पर्टिकुलर्स लिख लेता हूं, यहां पे अमाउंट लिख लेता हूं, ठीक है, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, लैंड बढ़ा तो मुझे फायदा हुआ। ठीक है, बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग 50,000 की थी, 6% डेप्रिशिएट करना है, तो देखो बिल्डिंग आएगी 50 पे ही, बस जो वैल्यू कम हो रही है, लॉस ऑन डिक्रीज इन बिल्डिंग 3,000 रुपये, ये कम हो गया 50,000 पे 6%, 3,000 कम हो गया वैल्यू। ठीक है, यही तो नया कॉन्सेप्ट है, आपको बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज पुरानी वैल्यूज पे चलेंगे, उनसे होने वाला प्रॉफिट या लॉस साइड में लिखते रहो फिलहाल, बाद में इसकी एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे बस। अच्छा जी, इसके बाद क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 3,000 वर नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स 30,000 के थे, 3,000 का पेमेंट नहीं करना, बहुत बढ़िया, तो क्रेडिटर क्या 27 हो जाएंगे सर, यहाँ पे 30 ही शो करेंगे, लेकिन 3,000 जो पे नहीं करना उसका फायदा होगा, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन क्रेडिटर 3,000 रुपये। ठीक है, तो बस 3 ही एडजस्टमेंट्स थी, अब आपको एक नेट वैल्यू निकालनी है कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये का, इसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से करनी है, गुडविल भी जोड़ लो इसमें क्योंकि गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करनी होती है। गुडविल कितना है, गुडविल द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, 60,000 का गुडविल था, तो 60 और 15 75,000 रुपीज का नेट वैल्यू आ गया, जिसकी एंट्री हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से करनी है। अब देखो 75,000 इंटू 9/30, तो ये डेबिट होगा, 75,000 इंटू 7/30, 17,500, 5,000, ठीक हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, सी के डेबिट में 22,500, ए और बी के क्रेडिट में, ए और बी के क्रेडिट में 17,500 और 5,000 बाय सी, और सी के डेबिट में टू ए 17,500, टू बी 5,000, तो 22,500 इसके डेबिट में आ गया। ठीक हो गया जी, अब क्या करना है, बस सीधा सीधा देखो रिवैल्यूएशन कोई होता नहीं है, बस ये निकाल के एंट्री पास करनी थी वो कर दी, अब आपको क्या करना है, बस कैपिटल का वैल्यू निकालना है कि कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। पचास, सत्तर, 87,500, इधर कुछ नहीं है तो 87,500 ही आ जाएगा, 60, 20, 80, 85, 85 minus 0, 85, 70 or 10, 80, 80 minus 22,500, 57,500,
ये कैपिटल्स आ जाएंगे, ये एज इट इज इधर लिख देंगे हम कैपिटल्स ए बी और सी. 87,500 ए का आ गया, 85,000 बी का आ गया, 57,500 सी का आ गया. बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज आप एज इट इज लिख सकते हो. लैंड बिल्डिंग हो गया था, प्लांट स्टॉक डेटर कैश, प्लांट स्टॉक डेटर कैश, प्लांट स्टॉक डेटर कैश एज इट इज जो वैल्यू थी पुरानी. यही तो क्वेश्चन था कि पुरानी वैल्यूज पे शो करना है. प्लांट स्टॉक डेटर कैश है कितने के? लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट स्टॉक डेटर कैश 1,40,25,5, 1,40,25,5. यहाँ पे क्राइटर्स हम लोग लिख चुके हैं. जनरल रिजर्व आपने बांट दिया था, तो बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए 20 और 25. बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लो जी सर इसका टोटल लगा दो. 30,000, 20,000, 25,000, 87,500, 85,000, 57,500. 3,05,000 तो इधर आ जाएगा. 85,000, 50,000, 1,40,000, 25,000, 5,000. 3,05,000 इधर आ जाएगा. देखो बैलेंस शीट अभी भी टैली करता है. हमने कोई रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही दिखाया. बट उनकी वैल्यू बढ़ने या कम होने से जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा था उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, तो किसी पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करनी, तो इस तरीके से आपको काम करना है. बस एक स्टेटमेंट बनाना है रिवैल्यूएशन की जगह. जितना भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक एंट्री पास कर देनी है, एडजस्टिंग एंट्री. इस तरीके से बेटा जी ये क्वेश्चन होता है. मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी और चैप्टर भी हो जाता है समाप्त. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो. कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग.